ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, अपने अपने फोन साइलेंट कर लें। और फिर ध्यान को चारों तरफ से हटाते हुए अपने मन पर लेकर आते हैं। आज दिन तक जब भी किसी से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, कैसे हैं आप, क्या हालचाल है। एक मिनट लेकर अपने आप से पूछिए, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, और आंसर देखिए क्या मिलता है। क्लोज योर आइज, ध्यान बाहर नहीं, सिंपल नेचुरल क्वेश्चन, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है। अपने जीवन को अगर आज एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो आप कौन सा शब्द देंगे। अपनी लाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। तो वो शब्द कौन सा होगा। और वर्तमान समय अपने जीवन में अगर किसी बात में परिवर्तन चाहते हो तो वो बात कौन सी होगी। तीन आंसर चाहिए। एक, जीवन का हालचाल कैसा है। दूसरा, जीवन को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। और तीसरा, क्या जीवन के किसी भी पहलू में कोई चेंज चाहिए। ओके, ओम शांति। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। एक होता है बहुत अच्छा है, एक होता है बहुत बढ़िया है, और उससे ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा मस्त है, ओके, हाँ ऑफ कोर्स। शब्द का ध्यान से उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि जिस शब्द का उच्चारण करेंगे जीवन वैसा ही बनता जाएगा। और अगर अपनी लाइफ को, तो वो शब्द कौन सा होगा। Blessed, very good. Contented, संतुष्ट, संतुष्ट, very good. आनंदित, very good. हाँ जी, शांत स्वरूप आत्मा तो मैं हूँ, शांत स्वरूप आत्मा तो ये अपनी क्वालिटी है ना, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
अपने जीवन को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए. व्हाट इज वन वर्ड जो आपके माइंड में आता है? हाउ इज माई लाइफ? जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं, यहाँ एंटर करेंगे, हॉल को देखेंगे, किसी पिक्चर को देखेंगे, तो हम हमेशा एक वर्ड बोलेंगे. ऐसे ही अपने जीवन के कैनवस को देखते हुए, वो पेंटिंग जो उस पर बन रही है, उस पेंटिंग को देखते हुए एक शब्द बोलिए. आपके जीवन की पेंटिंग कैसी है? परफेक्ट, एक्सेलेंट, एफर्ट, प्रफुल्लित, वेरी गुड, और शानदार, पीसफुल. हाँ जी, अच्छा, मॉडर्न आर्ट. मॉडर्न आर्ट मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या है. सो वेरी नाइस वन, मॉडर्न आर्ट. समझ नहीं आता क्या है उसके अंदर. और अगर अपने जीवन में कोई एक चीज चेंज करनी हो तो क्या? वैसे परफेक्ट में तो अब क्या ही चेंज करना है? तो इस प्रश्न के लिए तो कोई आंसर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट है, संतुष्ट है, बढ़िया है. तो बढ़िया में कुछ चेंज नहीं करना होता है. कुछ चेंज करने के लिए, यस, कुछ चेंज करना है. एवरी मोमेंट शुड बी पीसफुल. और कुछ? अच्छा, सामने के अंदर, सामने वाले के अंदर विशेषता देखो, उसकी पॉजिटिविटी देखो. और रिश्तों में हार्मनी चाहिए, उसके लिए किसको बदलना है? अच्छा, सिर्फ इस कमरे में बैठकर कहना है खुद को, और वापस जाकर कहना है उनको? क्योंकि अगर खुद को बदलना है तो फिर हार्मनी इन रिलेशनशिप्स चाहिए नहीं, हार्मनी आ चुकी होगी. हार्मनी क्यों नहीं आई है? क्योंकि किसको बदलने की कोशिश हो रही है? उनको. और जिनको बदलने की कोशिश हो रही है वो बदल नहीं रहे. तो क्योंकि वो बदल नहीं रहे तो फिर संघर्ष क्या होता है? चलता जाता है, चलता जाता है. क्योंकि हम इंतज़ार करते रहते हैं. अपने जीवन को एक पेंटिंग की तरह देखें. एक ब्लैंक कैनवस होता है, है? एक ब्लैंक कैनवस होता है, एकदम वाइट प्लेन. और फिर आर्टिस्ट उस पे अपने रंग चूज करते करते उसके मन की स्थिति में क्या है, वो यहाँ से लेकर कहाँ पर आ जाता है? उस कैनवस पर आ जाता है. पहले वो पिक्चर कहाँ होती है? यहाँ होती है. और कुछ समय बाद वो पिक्चर कहाँ आ जाती है? उस कैनवस पर आ जाती है. पिक्चर किसके संस्कारों को दर्शाती है? उस आर्टिस्ट के संस्कारों को दर्शाती है. वो आर्टिस्ट रंग कौन से यूज करता है वो किसको दर्शाता है? उसके मनोस्थिति को दर्शाता है. और वो आर्टिस्ट वो पेंटिंग करते हुए स्ट्रोक्स कैसे यूज करता है वो भी किसको दर्शाता है? उसकी मनोस्थिति को दर्शाता है. फाइनल तो हमें पेंटिंग ही दिखाई देगी, लेकिन पेंटिंग किस चीज का रिफ्लेक्शन है? हमारे मन की स्थिति, हमारी सोच. तो वो पेंटिंग में क्या है? वो पेंटिंग में वो सब कुछ है जो बाहर दिखाई दे रहा है हमारे जीवन में. जब वो बाहर दिखाई देता है तो हमें पता होता है ये थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सा ये चेंज करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है. ये बहुत अच्छा है, लेकिन और बेटर भी हो सकता है. लेकिन वो चेंज पेंटिंग में नहीं लाया जा सकता है. वो चेंज पेंटिंग में नहीं लाया जाएगा. वो चेंज कहाँ लाना पड़ेगा? वो चेंज कहाँ लाना पड़ेगा? आर्टिस्ट की मनोस्थिति में. अगर आर्टिस्ट का मन आज थोड़ा सा उदास है तो रंग ही कुछ अलग होंगे. अब हम रंगों को देखकर सोचें कि हम इस पेंटिंग के कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो वो आर्टिस्ट ला ही नहीं पाएगा वो दूसरा रंग, क्योंकि वो उसकी मनोस्थिति है.
तो हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है यहाँ, वो एक वाइब्रेशन और एनर्जी के रूप में हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पे रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ तक कि जो जड़ चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं ना, फिजिकल मैटर जो चीज़ें हैं, उसकी भी एक एनर्जी होती है, उसकी भी एक एनर्जी होती है। और वो एनर्जी भी कहाँ से बनती है? यहाँ से बनती है। लेकिन आज हमारा अटेंशन पेंटिंग पर होता है, आर्टिस्ट के मन पर नहीं। तो हम सारा दिन बाहर की पेंटिंग को परफेक्ट करने का बहुत प्रयास करते हैं, और करना ही चाहिए। लेकिन पेंटिंग बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, वो जो पेंटिंग बने वो किसको पसंद आए, वो पेंटिंग जो बने वो किसको पसंद आए, खुद को पसंद आए या सबको पसंद आए। वो पेंटिंग खुद को पसंद आए या सबको पसंद आए। अच्छा, पहले खुद को और फिर सबको, करेक्ट है ये ऑर्डर? दो तीन ऑप्शंस हैं, पेंटिंग खुद को पसंद आए, दूसरा पेंटिंग सबको पसंद आए, तीसरा पहले खुद को पसंद आए फिर सबको पसंद आए, चौथा सबको पसंद आए तो ऑटोमेटिकली खुद को पसंद आए। पेंटिंग किसको पसंद आए, मतलब मेरी लाइफ, ये किसको पसंद आए? चलो एक साइलेंस साइलेंस, ओपिनियन पोल लेते हैं। खुद को, खुद को के लिए हाथ ऊपर करते हुए दूसरों का हाथ नहीं करना, नहीं तो सबको की कैटेगरी में जाएंगे। अच्छा, खुद को, सबको, सबको, पहले खुद को फिर सबको, पहले सबको फिर खुद को। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन में तो हाथ ही नहीं उठाया, पहले सबको फिर खुद को। आर यू श्योर हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, पहले सबको फिर खुद को? पक्का? आप अपनी लाइफ में क्या चूज करते हैं? इवन एक सिंपल चीज, आपने क्या पहना हुआ है वो किसको पसंद आना चाहिए? सबको पसंद नहीं आना चाहिए? सबको पसंद आना चाहिए या नहीं पसंद आना चाहिए? अब आप खुद को जो पसंद आया था वो पहनकर पार्टी में जाते हैं, वो खुद को पसंद आया था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो खुद को पसंद आया था लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो खुद की पसंद पे ही डाउट आने लगता है। आता है या नहीं आता है? आता है। फिर हम लिटरली वेट करते हैं, फिर जैसे ही कोई कहता है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो खुद की पसंद पर यकीन आता है कि मैंने ठीक से चूज किया था, क्योंकि सबको पसंद आ रहा है। और फिर सडनली कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, और वो सीधा सीधा बोल देते हैं ये क्या खरीदा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो खुद की पसंद पे फिर से डाउट होता है या नहीं होता है? फिर अपनी ड्रेस को ऐसे देखते हैं, अच्छा तो है, इनको पसंद क्यों नहीं आ रहा है? फिर हम किसी और चार के पास जाते हैं, आपको क्या लगता है मैंने जो पहना है वो कैसा है? कहेंगे बहुत अच्छा है। फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपनी पसंद के ऊपर, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, ये ऐसे कैसे होता है? किसकी पसंद से खरीदा था?
किसकी पसंद से खरीदा था? खुद की पसंद से खरीदा था। और अगर खुद की पसंद से खरीदा था तो फिर सिर्फ एक की पसंद ही मायने रखती है ना। और ये सिर्फ एक ड्रेस की बात नहीं है, आप जीवन में कोई भी चीज देख लो, आप एक मकान बना लो, आप अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा दो, अब आप इंतजार करेंगे, लोग आएंगे, देखेंगे और देखकर मकान के लिए क्या कहेंगे। आप एक नई गाड़ी खरीद लो, हर चीज हम करते तो खुद की पसंद से ही है, लेकिन खुद की पसंद के बाद हमें क्या चाहिए होता है उस पर, जब सब कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब हमें अपनी पसंद पसंद आने लगती है। राइट या रॉन्ग? और ये तो सिर्फ चीजों के बारे में है कि मकान, गाड़ी, कपड़े, कोई आपने खाने की चीज बनाई, जैसे जैसे एक एक जना बोलता जाता है बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, तो खुद का चेहरा क्या होने लगता है। अब ये तो चीजों के बारे में है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है वो किसको पसंद आना चाहिए, क्यों पता है ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल दुनिया की पसंद बदली हुई है। और अगर इस समय किसी आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग लोगों की, मतलब मेजॉरिटी को क्या पसंद आता है उस आधार से करना शुरू किया, तो दुनिया को तो पसंद आ जाएगी, लेकिन पता नहीं जरूरी कि वो सही पेंटिंग होगी या नहीं होगी। आपको लगता है ऐसा या नहीं लगता? बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं, बहुत सारे ऐसे स्वभाव हैं, बहुत सारी ऐसी जीवन शैली, लाइफस्टाइल की बातें हैं जो बहुत सारे मेजॉरिटी लोग कहते हैं ये राइट है, और जब बहुत सारे वो कहते हैं ये राइट है तो बहुत सारे और उसको कॉपी करके और राइट कर लेते हैं, और बहुत जल्दी मेजॉरिटी वो ही कर रहे होते हैं। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमें पता होता है कि वो हमारा निजी संस्कार नहीं है, वो नहीं है हम, लेकिन क्योंकि सब कह रहे हैं वो है, तो हम भी अपने संस्कारों को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि हम बदलना शुरू कर देते हैं तो सबको की परसेंटेज और बढ़ती जाती है, भाई मेजॉरिटी तो ये कहते हैं, सारे तो ये कहते हैं, सब तो ऐसे करते हैं। इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार की जरूरत है, और वो संस्कार है जो सही है उस पर खड़े रहना, इवन अगर आप अकेले हैं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर हम सबके अंदर वो ताकत आ जाए, और वो ताकत है, लेकिन हमें लगा जो सब कहते हैं वो राइट होता है, ऐसा नहीं हमारे पास ताकत नहीं है, हम सबके पास बहुत शक्ति है, लेकिन हमें लगा जो सब कह रहे हैं वो राइट होता है, और जो सब कह रहे हैं वो राइट होता है उसको अडॉप्ट करते 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 संस्कार बदले, संस्कृति बदल गई, संसार बदलता जा रहा है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है थोड़ा या नहीं हो रहा है? संस्कृति ही बदल रही है, कल्चर बदल रहा है, मर्यादाएं बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें जो पता है राइट हैं, कहते नहीं सब ऐसा करते हैं तो क्या। आप अपने बच्चों को कोई राय दो, बोलो बाकी बच्चे तो बोलते ऐसा नहीं करते ना, सब लोग तो ऐसा करते ना, फिर मैं ऐसा क्यों करूं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पब्लिक ओपिनियन, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और कहीं ना कहीं बचपन से ये सीखा कि जब लोग कहते हैं हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। आपको याद है जब हम छोटे थे तो कोई मेहमान घर पे आते थे तो मम्मी पापा कहते थे वो दिखाओ, वो करके दिखाओ, वो सुनाओ, वो सब कुछ करो। अच्छा ये संस्कार है, वो अपने बच्चे के संस्कार, टैलेंट, विशेषताएं दूसरों को दिखा रहे थे,
लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसके यहाँ क्या प्रोग्रामिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो उस चीज को दिखाता है, गाना सुनाता है, कोई डांस दिखाता है, कोई पोइट्री सुनाता है, कोई पेंटिंग दिखाता है, सब बोलते हैं बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड बॉय। वो ये नहीं कहते वेरी गुड पेंटिंग, वेरी गुड डांस, वेरी गुड सॉन्ग, वो कहते वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड बॉय। दोनों बातों में कोई फर्क? दोनों बातों में कोई फर्क? क्या फर्क? ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी प्रोग्रामिंग ये हो जाती है कि जब हम कुछ अच्छा करके दिखाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो तब हम अच्छे हैं, तो हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बन जाते हैं। हम स्कूल में फर्स्ट आते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, सक्सेसफुल है। एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन वो बच्चा बहुत इगोइस्टिक है, अहंकारी है, वो दूसरों के साथ अपनी चीजें शेयर नहीं करता, गुस्सा करता रहता है, लेकिन वो फर्स्ट के अलावा कुछ नहीं आता है। उस पर क्या लेबल लगाता है समाज? ये बच्चा कैसा है? सक्सेसफुल है। दूसरा बच्चा है जो पास नहीं होता, लेकिन वो बहुत हम्बल है, बहुत केयरिंग है, बहुत काइंड है, बहुत कंपैशनेट है, लेकिन सब कहते हैं नो गुड, ये तो फेलियर है। घर आता है तो माँ बाप भी कहते पता नहीं इसका क्या होगा, होता है ऐसे या नहीं होता? तो हमने अच्छा बच्चा, नॉट अच्छा बच्चा, सफलता, फेलियर, ये सब किस आधार से करना शुरू कर दिया? जो हम करते हैं। अब आप आज बताइए, एक बच्चा फर्स्ट आता है लेकिन ईगोइस्टिक है, अहंकारी है, और दूसरा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो बेसिक पास भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो सफलता? लग रहा है कि सब जो कहते हैं वो बहुत कुछ बदला हुआ है आजकल, क्योंकि सब जो कह रहे हैं वो किसकी महिमा करते हैं? सिर्फ जो बाहर दिखता है। हम कौन हैं? फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर समाज पूछता है आप क्या करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपका रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है। जो बहुत कमाता है, जिसका पोजीशन स्टेटस बहुत अच्छा है, दुनिया कहती है सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल, अवार्ड मिलते हैं, मैगजीन्स पे कवर पे फोटो आ जाती है, क्योंकि बहुत कमाते हैं। कैसे कमाते हैं कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं देखता है। संस्कार कैसे हैं? नोबडी वांट्स टू नो। सब क्या देखते हैं? बहुत कमाते हैं, मकान कितना बड़ा है, गाड़ियां कितनी सारी है, सक्सेसफुल, सफलता। सबसे पहली चीज जो बदली हुई है वो है सफलता की परिभाषा, और एज अ रिजल्ट हमने एक ऐसी संस्कृति बना ली है जिसमें बाहर हम क्या अचीव करते हैं वो तो बढ़ता जा रहा है और बढ़ना चाहिए, इट्स वेरी गुड, लेकिन जिस चीज पर हमने फोकस नहीं किया और जिस चीज की किसी ने महिमा नहीं की, किस चीज पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज के ऊपर हमने भी ध्यान देना छोड़ दिया। संसार, एंड संसार मतलब मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, मेरा शहर, मेरा प्रांत, मेरा देश, मेरा विश्व, संसार किस चीज से बनता है? संसार किस चीज से बनता है? जो हमने कमाया उससे संसार बनेगा, जो हमने बड़ी बड़ी ये सारी चीजें बना ली हैं इससे संसार बनेगा। एक स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार बनता है, संस्कार से संसार बनता है।
तीन शब्द हैं, संस्कार, संस्कृति, संसार। संस्कार, संस्कृति, संसार। भारत की संस्कृति कैसी है, क्या लगता है? भारत की संस्कृति कैसी है, क्या लगता है, आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया। आज इतने सारे बच्चे मिलते हैं और उनके मम्मी पापा भी मिलते हैं, जो बस वेट कर रहे हैं कि कब हम बच्चे का स्कूल पूरा हो, हम उसको विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। कहते भारत में कुछ नहीं है, बाहर भेजना है, मुझे बाहर भेजना है अपने बच्चों को। कह रहे हैं या नहीं कह रहे? बाहर भेजना है, मुझे बाहर भेजना है अपने बच्चों को। अगर ये विश्वास होता कि भारत की संस्कृति बहुत रिच है, अगर ये विश्वास होता कि भारत की संस्कृति बहुत रिच है, तो फिर इतनी रिच संस्कृति से बाहर क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? और फिर वो एक ऐसा कल्चर बनता जा रहा है कि हर एक बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। और जो नहीं बाहर जा रहे हो, कहेंगे बाहर नहीं जा रहे, बाहर पढ़ने नहीं जा रहे। तो बहुत जल्दी क्या होता है, शुरू कुछ करते हैं, फिर और ज्वाइन करते हैं, और थोड़े टाइम के बाद जो नहीं कर रहा है वो अजीब लगता है। कहते बड़े अजीब हो आप, अपने बच्चे को भेज नहीं रहे, मतलब आपके पास है नहीं इसलिए नहीं भेज रहे। ये नहीं सोचते कि चॉइस है कि नहीं भेजना चाहते हैं। और ये क्यों हम, और इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम है, वो तो चॉइस है जिसको जाना है। लेकिन इम्पोर्टेंट है राइट और रॉन्ग की परिभाषा कौन डिसाइड करेगा, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अपना संघ चूज करते समय, बच्चों का स्कूल चूज करते समय, आगे उनकी यूनिवर्सिटी चूज करते समय, आगे उनका पार्टनर चूज करते समय क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, वो क्राइटेरिया ही आज थोड़ा सा बदला हुआ है। और अगर क्राइटेरिया बदल गया, सब कुछ बदल जाएगा। और जब से वो क्राइटेरिया बदला, संसार बदलता हुआ जा रहा है। तो इसलिए अगर उस पेंटिंग को सचमुच बहुत खूबसूरत बनाना है, तो अटेंशन बाहर नहीं, पेंटिंग बनाने वाले मन पर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संस्कारों से वो पेंटिंग रूपी संसार बनता है। बना सकते हैं संस्कारों को प्रायोरिटी? यस, होनी चाहिए प्रायोरिटी या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए प्रायोरिटी या नहीं होनी चाहिए? तो अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए, संस्कार बहुत अच्छे हैं, उस बच्चे को क्या लेबल लगाएंगे? कभी सोचना नहीं हमने कि किसी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे उसको बोलते हैं फेलियर, फेलियर, कुछ नहीं कर सकता, इसका तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ये क्या बनेगा आगे जाके, और ऐसे लेबल लगा लगा के उसकी जो कैपेसिटी थी या पोटेंशियल थी परफॉर्म करने की, उसको भी क्या करते जाते हैं, घटाते जाते हैं। और वो बच्चा, वो आत्मा जिसके संस्कार बहुत प्यारे हैं, वो संस्कार भी धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उदासी आ जाती है, नीरसता आ जाती है, निराशा आ जाती है, रिजेक्शन मिल जाता है, तो उसके जो ब्यूटीफुल संस्कार भी थे वो क्या होते जाते हैं। तो सफलता की परिभाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सफल होना चाहता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, और हर एक चाहता है उसका बच्चा भी सफल हो। लेकिन जो चाहते हैं उसकी परिभाषा भी तो क्लियर होनी चाहिए कि सफलता अर्थात क्या। बचपन से हम सुनते थे आज का मेरा दिन सफल हुआ, इनका जीवन सफल हुआ, श्वासोश्वास सफल हुआ। तो सफल शब्द का अर्थ क्या था? आज का दिन सफल हुआ अर्थात सफल शब्द का अर्थ क्या? मेरा समय सफल हुआ, मेरा समय सफल हुआ, आज का दिन सफल हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ,
किस क्राइटेरिया पर कहेंगे? आंख बंद कीजिए, किसी का आंसर मत सुनिए, अपने आप से पूछिए, मेरा जीवन सफल हुआ? अगर मुझ पर ये लेबल मुझे खुद को लगाना है, दुनिया को नहीं, मेरा जीवन सफल हुआ, माई लाइफ वॉज वर्थ वाइल, तो मेरा जीवन सफल हुआ उसके लिए मुझे इस जीवन में क्या करना है? औरों को खुशी देना है और मेरा जीवन सफल हुआ। एवरीबडीज डेफिनेशन विल बी डिफरेंट, और कोई भी डेफिनेशन रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि हर एक की डेफिनेशन मेरा जीवन सफल हुआ, क्या करना है उसके लिए। क्योंकि एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी ना, एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी और पेंटिंग जितनी बनी थी वहीं की वहीं फुल स्टॉप हो जाएगा। तो मेरा जीवन सफल हुआ अर्थात I achieved what I wanted. मैं आत्मा ने क्या करना है और आत्मा को काम दिए किसने थे? परमात्मा ने काम दिए थे। ये आपको सारे काम आजकल परमात्मा के दिए हुए लगते हैं? हाँ, ये परमात्मा ने हमें काम दिए जो आजकल हम कर रहे हैं। हाँ, सफल वर्ड की एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग आ रही है? सफल, मेरा जीवन सफल हुआ, इनका जीवन सफल हुआ, आज का दिन इसका सफल हुआ, एनर्जी कौन सी है? अच्छा, एक डायरेक्शन की एनर्जी चेक करते हैं। अगर एनर्जी ऐसी है, और अगर एनर्जी ऐसी है, कौन से में सफल लग रहा है? देने में सफल है, देने में सफल है या पाने में सफल है? देने में सफल है या पाने में सफल है? अच्छा, एक मिनट चेक करना, एक मिनट। कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है, या किसी के लिए कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है? जब, हाँ जी, जब पिछले 2 सालों में जब शुरू कोविड जब शुरू हुआ था, तो हमने एक प्रोग्राम किया था टीवी पर, कि जिसके लिए लोगों को कहा था, आपने जो सेवा की हो पिछले 2-3 महीनों में, छोटी 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 चीज़ें, उसका 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजिए। तो छोटे छोटे बच्चों ने भी बनाकर भेजा कि हमने अपने बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी पे भैया है उनके लिए चाय बनाया, किसी ने बोला हमने टिफ़िन पैक किया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ऐसे जो सबने की, उसका भी वीडियो बनाकर भेजा। और बहुत लोगों ने उस वीडियो में कहा, इतनी खुशी हमें पहले कभी फील नहीं हुई है, अपने आप से कहकर भेजा। छोटी छोटी चीजें करते हुए इतनी खुशी हमें कभी फील नहीं हुई है, ये संस्कृति है। जब हम देते हैं कोई चीज, तो देते हुए वो एनर्जी किसके थ्रू ग्रो होती है? वो हमारे थ्रू निकल कर बाहर जाती है। जब हम दूसरों को देते हैं सुख, तो ऑटोमेटिकली उस सुख के रिटर्न में उनको जो अच्छा फीलिंग आती है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने बैठ के हमें दुआ देनी है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने शुक्रिया बोलना है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है,
आप किसी को एक ग्लास पानी पिलाइए, जरूरी नहीं है वो शुक्रिया बोले, जरूरी नहीं है वो थैंक यू बोले, जरूरी नहीं है वो दुआ दे, कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी पिलाया, पानी पीते ही उसकी मनोस्थिति क्या हो गई, उसकी मनोस्थिति सेटल हो गई, अच्छी हो गई, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। वो वाइब्रेशन के निमित्त कौन बना था, आपका पानी पिलाना, तो वो अच्छे वाइब्रेशन किस तक पहुंचने वाले हैं। तो दुआ चाहिए नहीं होती है, दुआ अर्थात हमने कोई ऐसा कर्म किया जिसका रिजल्ट सामने वाले का जो मन था वो, और जैसे ही हमने वो किया वो वाइब्रेशन किसकी तरफ पहुंचेगी, हमारी तरफ पहुंचेगी। जैसे ही वो हमारी तरफ आएगी तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ मैं आत्मा बैटरी हूँ। और जैसे ही किसी के, मेरे कर्म से किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, निमित्त हम बने, और हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कुछ चाहिए रिटर्न में, हमने तो बस जो ठीक लगा वो किया। लेकिन जैसे ही वो किया और किसी के अंदर उसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई, लेकिन कर्म हमने किया था जिसकी वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई, तो वो पॉजिटिव एनर्जी किसके पास फ्लो होती हुई आएगी, वो हमारे पास आएगी। जैसे ही हमारे पास आएगी, एनर्जी एनर्जी को ऐड करेगी, तो यहाँ की बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जैसे ही यहाँ की बैटरी चार्ज होगी, हमें कैसा फील होगा, हमें बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन जब जीवन का डायरेक्शन ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता है कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, तो सारा कुछ जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट मिल गया है, लेकिन फिर भी ये बैटरी अंदर से क्या होती जा रही है, थोड़ी सी, ये स्पिरिचुअल लॉ है। और ये लॉ हमें सफलता की परिभाषा सिखाता है, क्योंकि हमने सफलता वर्ड यूज करना बंद कर दिया और हमने सक्सेस वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। भाषा से ही बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। भारत की संस्कृति की जो भाषा है उसकी विशेषता यह है कि शब्द अर्थ सहित हैं, अर्थ सहित हैं। इसलिए भारत में जब हम किसी का नाम रखते हैं तो वो नाम भी अर्थ सहित होता है, होता है या नहीं, किसी का भी नाम ऐसे कुछ भी नहीं रखा जाता। तो आप किसी से भी पूछो आपका नाम, फिर आप उनसे पूछो आपके नाम का मीनिंग, तो हर एक के नाम का एक बहुत प्योर पावरफुल हाई वाइब्रेशनल वर्ड मीनिंग होता है। क्यों भारत देश में हर एक का नाम इतना अर्थ सहित रखा जाता है, क्या जरूरत है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्यों नाम अर्थ सहित रखा जाता है, क्योंकि नाम वो शब्द है जो उसके जीवन काल में सबसे ज्यादा उच्चारण होने वाला है, और हर बार जब उसका नाम उच्चारण होगा, हर बार जब उसका नाम उच्चारण होगा, एक एनर्जी क्रिएट होगी। भारत शब्द जो है उसका भी मीनिंग बहुत हाई है। भा मतलब लाइट, एंड रत मतलब डेडिकेटेड टू द पर्पस ऑफ गिविंग लाइट, चारों तरफ रोशनी फैलाने वाला देश है भारत। अज्ञान से ज्ञान में लाने वाला है भारत, लेकिन आजकल हम भारत वर्ड भी नहीं यूज करते। तो इसीलिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है, संस्कृति बहुत इम्पोर्टेंट है, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम सक्सेस शब्द बोलते हैं तो हमें पिक्चर सिर्फ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन जब हम सफलता शब्द बोलेंगे तो हमें एनर्जी ऐसी दिखाई देगी। एनर्जी बहुत मैटर करती है, अचीवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अचीवमेंट सिर्फ अचीवमेंट है। अगर अचीवमेंट के बेसिस पर बैटरी चार्ज हो सकती तो आज समाज में बहुत क्लियर होता कि जो जितना ज्यादा अचीव कर रहा है वो आत्मिक स्थिति में भी उतना पावरफुल होता जा रहा है, सिंपल हो जाता फिर तो।
जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आए वो संस्कारों में भी और रिच होता, आत्मा और पावरफुल होती, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अचीवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अचीवमेंट अचीवमेंट है, अचीवमेंट हैप्पीनेस नहीं है। अगर अचीवमेंट हैप्पीनेस होती तो और अचीव करते करते स्ट्रेस क्यों बढ़ता जा रहा है, हैप्पीनेस बढ़ती जानी चाहिए थी, हैप्पीनेस बढ़ती जानी चाहिए थी। लेकिन अचीव करते हुए यहां नहीं ध्यान रखा तो अचीवमेंट बढ़ती गई, स्ट्रेस भी बढ़ता गया। और आज सिर्फ स्ट्रेस नहीं, हम डिप्रेस्ड वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, तो ये कोई अचीवमेंट का रिजल्ट है? कहीं तो कुछ मिसिंग है ना लिंक। तो इसका मतलब ये नहीं अचीवमेंट को छोड़ना, अचीवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम पिछले 25-30 साल को देखें, हमने जीवन के एक पहलू पे बहुत मेहनत की और जिस पे मेहनत की मिरेकल्स क्रिएट कर लिए, लेकिन वो मेहनत करने में हम इतने व्यस्त हो गए कि यहाँ का हालचाल, तो फिर एज अ रिजल्ट अचीव बहुत कुछ कर लिया लेकिन साथ में कुछ कुछ और चीजें भी आ गई। क्या क्या आ गया जो 25-30 साल पहले नहीं था, चेक करना चाहिए, हमेशा रुक के चेक करना चाहिए कि एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, हमने 25-30 साल में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करते हुए रिजल्ट में साथ साथ कुछ कुछ और कौन सी चीजें आ गई, और फिर क्या करना चाहिए उसको चेक करके रुक के अपनी पेंटिंग में करेक्शन करनी चाहिए। नहीं तो पेंटिंग और ही उसी डायरेक्शन में बनती जाएगी और यू टर्न नहीं लेंगे। एक रोड पे हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सीधा जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग उस रोड पे जा रहे हैं। जरूरी है कि जिस रोड पर सब जा रहे हो वही सही सड़क होगी? जरूरी है? जरूरी है, और हो भी सकता है वो उनके लिए सही हो, लेकिन क्या मेरे लिए वो सही है? तो मुझे रुक कर अपने आप से चेक करना चाहिए कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब जैसे ही हम कहते हैं मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम फिर बाहर देखने शुरू कर देते हैं, हाँ सब कुछ तो अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बन गया, मकान बन गया, दो गाड़ी की जगह 3 गाड़ी आ गई, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। लाइफ यहाँ नहीं है, लाइफ यहाँ है। जब ये लाइफ निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है, लाइफ यहाँ है। सो पॉज करना है, चेक करना है, चेंज करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को गलत सड़क पे ना भेजते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो तो उसी रोड पे चल रहे हैं जिस रोड पे हम चल रहे हैं। तो सफलता अर्थात अलग एंड अचीवमेंट अर्थात अलग। सो नाउ पॉज, क्या लगता है पिछले कुछ सालों में अचीव करते हुए हमने कौन सी चीजें वो की हैं जो जीवन के लिए सही नहीं है? क्या आ गया है हमारे जीवन में, क्या आ गया हमारे जीवन में 25-30 सालों के अंदर? क्योंकि ये हमारे जीवन काल की बात है, इतिहास की नहीं। हम ये नहीं बात कर रहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जीवन कैसी थी। बाह्य रूप से इस 25-30 सालों में हमारी लाइफ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो गई है, हो गई नहीं हो गई? अपने घर जाइए, नजर मारिए, आपको पता चलेगा मेजॉरिटी चीजें इस 30-40 इयर्स की क्रिएशन है। रसोई से लेके वो सारी चीजें जिनके बिना आज 2 दिन खराब हो जाए तो हर में मिक्सी नहीं चल रही, गैस नहीं चल रही, फ्रिज नहीं चल रहा, सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। और हम ही वो जेनरेशन है जिनको एक एक ऐसी चीज घर में आते हुए हमने देखी है, ये इतिहास नहीं है। तो 30 इयर्स में लाइफ फिजिकली इतनी कंफर्टेबल हो गई, लेकिन उसी 30 इयर्स में लाइफ इमोशनली अनकंफर्टेबल हो गई। तो 30 इयर्स पहले स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था, समान नहीं था, लेकिन स्ट्रेस भी नहीं था। अब आप सोचिए, कोई घर से निकलता था, ट्रैवल करता था, ट्रेन में बैठता था, 2 दिन लगाता था, दूसरे शहर पहुंचता था, फिर चिट्ठी लिखता था, फिर चिट्ठी आती थी, इस प्रोसेस को हफ्ता 10 दिन लगता होगा।
तो भी जो पीछे परिवार बैठे हो आराम से बैठे तो पहुंच ही गए होंगे, कहाँ जाएंगे रास्ते में, उड़ थोड़ी जाएंगे बीच में। और यहाँ फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले लिखते हैं टेक ऑफ, 2 घंटे के बाद उतरते हैं, एयर होस्टेस बोलती है 1 मिनट 1 मिनट फोन नहीं ऑन करो, रुकने दो फ्लाइट को, तो भी उसको ऑन करके इमिजिएटली लिखते हैं लैंडेड। अगर 15 मिनट नहीं लिखा तो पीछे जो बैठा परिवार है ना, क्या हुआ पहुंचा नहीं, क्या हुआ पहुंचा नहीं, क्या हुआ लिखा नहीं। हम वही है ना जिनको 10 दिन के बाद लेटर आता था। क्यों हमारा रोल इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने दोनों देखे हैं। अब जो अगली वाली जनरेशन है उन्होंने तो वो देखा ही नहीं, तो वो इमेजिन नहीं कर सकते कि 10 दिन के बाद भी कोई जवाब आता है और आप आराम से बैठ सकते हो। वो उनके विजुअलाइजेशन के कैपेसिटी की चीज़ नहीं है इस टाइम। लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शक्ति, धैर्यता, पेशेंस, सहन शक्ति, टॉलरेट करने की शक्ति जो हमारे अंदर थी, वो इन सारी अचीवमेंट्स के साथ हमें वो शक्ति भी उनको देनी है। क्योंकि हम जिनके अंदर वो धैर्यता थी, स्थिरता थी, एकाग्रता थी, 10 लोगों के साथ रहने की शक्ति थी, 4 लोगों के साथ अपना कमरा शेयर करने की शक्ति थी, परिस्थितियों को झेलने की शक्ति थी, कमी में जीवन जीने की ताकत थी, आज हम थोड़े से हिले हुए हैं, तो उनका क्या होगा आज से 20 साल के बाद? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है ये? है या नहीं है? है। सो जब हमारी 25 साल में लाइफ कंफर्टेबल हो गई तो एक्चुअली हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स तो एक अलग लेवल पे चला जाना चाहिए था, क्योंकि इमोशनली कंफर्टेबल हम पहले से ही थे, फिजिकली कंफर्टेबल भी हम हो गए तो वी शुड हैव बीन बेस्ट। फिजिकली कंफर्टेबल हो गए और 1 से 5 में आउट ऑफ एवरी 5 1 को डिप्रेशन होने लग गया, ये कौन सा कंफर्ट लेवल होगा? डायबिटीज घर घर पहुंच गया, ये कोई कंफर्टेबल लेवल होता है? डिवोर्स नॉर्मल हो गया, ये कोई कंफर्टेबल लेवल होता है? सो समवेयर वी हैव टू पॉज एंड चेक। अभी भी पॉज एंड चेक नहीं करेंगे तो कुछ और ही चीजों को नॉर्मल बना देंगे अगले 10-15 साल में। 25 साल पहले स्ट्रेस वर्ड नहीं था, फिर स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, तो लोग बोलते हैं आई एम स्ट्रेस स्ट्रेस्ड, वो वर्ड आने लगा, तो भी हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने कहना शुरू किया स्ट्रेस नॉर्मल है। डिप्रेस्ड वर्ड आना शुरू हो गया। अगर हम आज भी नहीं रुकेंगे और चेक नहीं करेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे तो आप आज की डेट लिख कर रखना और 2-4 सालों के अंदर हम कहेंगे डिप्रेशन तो नॉर्मल है। डिप्रेशन हाँ नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? आज अगर आप बाहर जाइए यहाँ से और किसी को कहिए मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, वो आपको ऐसे देखेंगे। आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता? क्यों, काम नहीं चल रहा आपका? नहीं, काम तो चल रहा है भाई, काम को क्या हुआ, हमारे काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप नॉर्मल नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होता? सो सी व्हाट इट चेंज्ड। इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि अगर आज आप कहेंगे स्ट्रेस नहीं है तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे कि आप कहीं और से आए हुए हैं। इसी तरह आज अगर उस डिप्रेस्ड को चेंज नहीं करेंगे तो 5 साल लोग बोलेंगे डिप्रेशन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी आज हमें लगेगा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये नॉर्मल हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? इतनी चीजें आज नॉर्मल हो गई हैं जो 20 साल पहले कुछ भी नहीं थी। 20-25 साल पहले किसी को बोलो उनको कैंसर हुआ है तो ऐसे हो जाते थे, क्योंकि इट वॉज सो रेयर, इतना रेयर, कोटों में कोई को होता था। आज बोलो हो गया, कहते हाँ ठीक हो जाएगा, सब इलाज है आज का। तो ये नहीं कि रुक के चेक करें कि लाइफस्टाइल में क्या करना है ताकि ये सारी बीमारियां क्या हो जाएं, घट जाएं। कहते ये तो नॉर्मल है ना, अब तो इलाज आ गए ना। इलाज आने से क्या होता है? इलाज से लाइफ की क्वालिटी थोड़ी ठीक हो जाती है, सफरिंग तो होगी ही, भोगना तो होगी ही। तो अगर हम इसको नहीं चेंज करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम लास्ट जेनरेशन है, लास्ट जेनरेशन है।
जिसको वो संस्कृति वो संस्कार पता है, अगर हमने ये संस्कृति और संस्कार हैंडओवर नहीं किए तो फिर नेक्स्ट जनरेशन की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारे को फिजिकल कंफर्ट्स बहुत अच्छे लगने लग गए, सडनली ये आ गया लाइफ कंफर्टेबल, वो आ गया लाइफ कंफर्टेबल, तो वो करने में हम उस पर इतने फोकस्ड हो गए कि हमने थोड़ा टाइम भी नहीं निकाला इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, हमने कहा टाइम नहीं है। आज हम लोगों को कहते थोड़ी देर आइए सुबह मेडिटेशन सीखे, फर्स्ट आंसर टाइम नहीं है। टाइम कहाँ है सारा, कहाँ जा रहा है, लाइफ को और फिजिकली कंफर्टेबल बनाने में। अगर मन कंफर्टेबल नहीं होगा तो क्या फिजिकल कंफर्टेबल कंफर्ट देता है? देता है? इतना बड़ा सोफा है ये, मन ही उदास हो तो कोई ये कंफर्ट देगा? कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन मन कंफर्टेबल हो और कुर्सी टूटी हुई हो पता तो सब कुछ है हमें, पता तो सब कुछ ही है हमें, क्योंकि हम वो हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते थे, रहते थे ना। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा घर नहीं बनाना है, इसका जस्ट मतलब ये है कि छोटे घर में रहते हुए जो संस्कार थे ना वो भी बड़े घर में लेकर जाने हैं, ताकि हमारे जीवन में दोनों चीजें होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। विच मीन्स अचीवमेंट पे मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन इतना नहीं कीजिए कि अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए एक घंटा भी नहीं है हमारे पास, आधा घंटा भी नहीं है। कहते कौन ऐसे होकर बैठ जाए, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं उतनी देर में कुछ कर ना लूं, क्योंकि हमने सोचा करने से ही अचीवमेंट है। तो कहते खाली कौन बैठेगा ऐसे, कुछ लोग तो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं, आप कहते हो सुबह सुबह आंख बंद करके बैठो। दिस इज लैक ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं क्रिएट की है लाइफ में, एंड विच इज ओके, इट डजेंट मैटर। जैसे एक बच्चा होता है उसको नए नए खिलौने मिलते हैं तो वो नए खिलौनों से इतना फैसिनेट हो जाता है वो खाना भी नहीं खाता उस दिन, होता है ना, नहीं मुझे खाना भी नहीं खाना है क्योंकि मुझे नए नए खिलौने मिले हैं, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। जिस दिन बर्थडे होता है बच्चा रात को अपने सारे गिफ्ट्स खोलता है, वो ड्रेस भी नहीं चेंज करना चाहता, नहीं मेरे को खिलौनों में ही है वो। तो वो ये जो हमें सारे मिले ना ये 25 साल में, वो बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन अब तो वो खिलौने पुराने हो गए। अब तो बैठ के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लें कि सिर्फ खिलौनों से नहीं खेलना है, और भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। लेकिन वो जो खिलौने बनाने वाले हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस है, वो हर साल उस खिलौने का एक नया वर्जन बना देते हैं और हमारे हाथ में एक नया खिलौना पकड़ा देते हैं, और हम उन्हीं खिलौनों में क्या होते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं कि जिस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देंगे उसकी शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दोनों कम्फर्ट्स चाहिए, एक नहीं। इसको अपने जीवन की, अपने घर की, अपने परिवार की प्रायोरिटी बना लीजिए, और अगर दोनों में से एक ज्यादा चाहिए तो पहले संस्कार ज्यादा अच्छे चाहिए, अचीवमेंट कम होगी तो इट्स ओके, क्योंकि अचीवमेंट सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देगी, खुशी तो देगी भी नहीं, सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देगी। रोल पोजीशन नाम सिर्फ सम्मान हमें लगता है लोगों से मिलता है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड बहुत फर्क होता है, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बहुत फर्क होता है। जो हमारा रोल होता है, पोजीशन होती है, उसके लिए रिगार्ड मिलता है। रिगार्ड मतलब हम आएंगे तो कोई खड़ा हो जाएगा, हम जाएंगे तो कोई दरवाज़ा खोल देगा, कोई हमें सल्यूट कर देगा, ये रोल के लिए रिगार्ड है। रिस्पेक्ट मतलब सामने वाला मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ देता है, अच्छा सोचता है, वो रिस्पेक्ट है। क्या ये हो सकता है हम किसी को रिगार्ड देते हुए एक्चुअली अंदर से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो फिर ये क्लियर रखना कि मेरा रोल मेरा पोजीशन सिर्फ बाह्य रिगार्ड दिलवाएगा, क्योंकि वो रोल एंड पोजीशन बाह्य है तो रिगार्ड भी
बाह्य ही होगा, लेकिन मेरे संस्कार मुझे सबसे रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, क्योंकि संस्कार आंतरिक है तो रिस्पेक्ट भी आंतरिक होगी। और फिर अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या चाहिए जीवन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉज एंड चेक। तो फोकस किस पर ले आए अब, फोकस किस पर लेकर आए? ये तो कर ही रहे हैं, ये तो होता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसमें अभी कुछ नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये एक एडिक्शन है जो सबको हो गई है, तो ये होता जाएगा। ये अभी ऑटो मोड में चला गया अचीवमेंट, लेकिन यहां पर फोकस संस्कारों को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जब संस्कार अफेक्ट होते हैं, ये बैटरी थोड़ी सी कम होती है तो जीवन के हर पहलू पर असर आ जाता है, मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर। जो हम यहाँ हैं वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है, हमारा बेड हमारे शरीर को कंफर्ट नहीं देता, हमारी सोच हमारे शरीर को कंफर्ट देती है। जब मैं यहाँ से बैठकर परेशान हूँ, किसी बात पर नाराज हूँ, किसी के व्यवहार से गुस्सा हूँ, दर्द है, दुख है, हर्ट है, मैं सोचती जा रही हूँ ऐसे क्यों किया, वो क्यों किया, इसने क्यों किया, मेरे साथ क्यों, ये क्यों, सोचते जाओ बड़े से बड़े बिस्तर पर बैठ के सोचते जाओ। लेकिन वो जो सोच है ना, वो सोच की एक एक सोच की वाइब्रेशन हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है, एक एक सेल तक पहुंचती है, क्योंकि हम आत्मा के नजदीक कौन है, बॉडी। हमें दूसरों की वाइब्रेशंस फील होती हैं या नहीं होती हैं? होती है ना, कि इनकी क्या वाइब्रेशंस हैं। इसी तरह मुझ आत्मा की वाइब्रेशन सबसे पहले किसको फील होती है, इस बॉडी को। तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य यहाँ के संस्कारों से बनता है, मानसिक स्वास्थ्य तो संस्कारों से बनता ही है, हमारे रिश्ते हमारे संस्कारों से बनते हैं। आज हम रिश्तों को भी बाह्य लेवल पर ज्यादा करते हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते जाते हैं, पहले तो कोई कुछ करता नहीं था इतना मेहनत। बच्चे का जन्मदिन भी आज कितनी मेहनत होती है, बहुत कुछ किया जाता है। पहले हमारे जन्मदिन होते हैं उस दिन कुछ दिया जाता था कि आज जन्मदिन है, कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करनी है, क्या देने जाना है, सेवा करने जाते थे ना जन्मदिन के दिन। क्यों माँ बाप लेकर जाते थे जन्मदिन के दिन सेवा करने के लिए? दुआएं मिलेंगी बच्चों को। आज हम क्या कर रहे हैं, दुआएं की जगह इम्प्रेस करने के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो हमेशा कर्म वो करना है जो कर्म इस डायरेक्शन में हो, और इस डायरेक्शन के कर्म का रिटर्न दुआएं अपने आप आती है, और दुआओं का रिटर्न ये बैटरी क्या होती जाएगी, चार्ज। और कोई तरीका नहीं है इस बैटरी को चार्ज करने का, ऑल द मनी इन द वर्ल्ड इस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता है, ऑल द मनी इन द वर्ल्ड वो नहीं कर सकता इसको। तो घर में अपने बच्चों के जन्मदिन बदलिए, कैसे बताने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बर्थडे ऐसे मनाया था, उन्होंने बर्थडे ऐसे मनाया था, उन्होंने बर्थडे ऐसे मनाया था, फिर हमने भी कैसे मनाना है, जैसे सबने बनाया था उससे थोड़ा और बेटर। तो हर एक ने बर्थडे को क्या करना शुरू किया, थोड़ा और बेटर, थोड़ा और बेटर, थोड़ा और बेटर, मतलब थोड़ा और खर्चा, थोड़ा और खर्चा, थोड़ा, यही बेटर की डेफिनेशन हो गई, नवीनता की डेफिनेशन भी ये हो गई। हर साल के फेस्टिवल को देखे, और महंगा और महंगा और महंगा, खर्चा बढ़ता गया, लेकिन उस फेस्टिवल की जो सैंक्टिटी है, उस फेस्टिवल की जो प्योरिटी है, दिवाली आई दिवाली गई, दिया जला लिया, अब दिए की भी सैंक्टिटी बदलती जाती है। बड़े बड़े गिफ्ट हम खरीदते हैं, एक दूसरे को देते हैं, फिर हर साल वो गिफ्ट का साइज बड़ा, महंगा, बड़ा, क्योंकि जो होगा वही तो देंगे ना दूसरे को। अब मेरे पास धन ज्यादा है तो मैंने और एक्सपेंसिव गिफ्ट, सो एवरीथिंग स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड मनी मनी। और जितना वो करते गए यहाँ, सो पॉज,
रेडी है संस्कारों और कर्म पर फोकस करने के लिए? यस, कौन से संस्कार है जो हमें थोड़ा सा अगर चेंज कर लेंगे तो आत्मा की बैटरी ऐसे चार्ज हो जाएगी? क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, कौन सा संस्कार? जस्ट पॉज एंड चेक, मेरा कौन सा संस्कार है जो आंतरिक शक्ति को क्या कर रहा है, घटा रहा है? हाँ जी, एक्सेप्टेंस लाना है, गुड वाइब्रेशंस और पेशेंस, वेरी गुड, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, हैं जी, स्माइल, सिर्फ बाहर से नहीं, स्माइल नहीं, हाँ तो वो भी चेंज करना है, स्माइल बाह्य है, स्माइल बाह्य है, शुक्राना और हाँ जी सप्रेसिंग द ईगो, हाँ पेश, हाँ सिंप्लिसिटी लाना, काइंडनेस लाना, जीवन का लक्ष्य देने को बनाना, इसीलिए दिया जलाया जाता है, इसीलिए हर कार्य में पहले दिया जलाया जाता है, दिवाली पे दिया जलाया जाता है, घरों में दिया जलाया जाता है, और दिया जलाना शुभ होता है, बचपन से सीखते हैं, दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझा तो जीवन क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, तो हम उस दिए के पास भाग के जाते हैं, दिया बुझना चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए, वो दिया बुझेगा तो कुछ नहीं, वापस चलाएंगे उसको, वो दिया बुझने से क्या अशुभ हो सकता है? इट इज सिंबॉलिक, ये सारी चीजें हमें कुछ सिखाती हैं, दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझा तो जीवन अशुभ हो जाएगा, मतलब दिया की बजाय चाहिए 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 पर जाए तो जीवन में फिर क्या आ जाती है, वो सारी चीजें जो आज आ गई हैं। तो हमें अपने जीवन के मोड को चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, चाहिए नहीं, क्या क्या चाहिए होता है हमें जीवन में, फिजिकल नहीं, सूक्ष्म या सटल, क्या क्या चाहिए होता है, हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए और प्यार चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए और लोग मेरा कहना मानना चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, मैंने जो कहा वो तुरंत हो जाना चाहिए, चाहिए चाहिए। अब आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए हर चाहिए को दिया में कन्वर्ट करते जाइए, और सबसे पहले रोज सुबह उठकर अपने आप को एक दुआ दीजिए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ताली किस बात के लिए थी, सुनने में लाइन अच्छी लगती है ना, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, विच मीन्स क्या, विच मीन्स क्या, विच मीन्स यहाँ से भरपूर, जैसे हम बाह्य रीति से भरपूर हो गए तो हम समाज में देने वाले बन गए ना, हमारे पास है, जब भी कुछ हो हम देने के लिए रेडी है, फिजिकल, क्योंकि हमारे पास फिजिकल है, इसी तरह जब यहाँ भरपूर हो जाएंगे तो हम ऐसे नहीं खड़े होंगे, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, सम्मान चाहिए, हम चाहिए वाली साइड पे नहीं खड़े होंगे, आज हमारे पास धन है तो हम देने वाली साइड पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो धन की चाहिए वाली साइड पर खड़े होते हैं। तो अब आप गाड़ी में बैठते हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं, आप एक रेड सिग्नल पर खड़े हैं, किसी के पास धन नहीं है तो वो आपकी खिड़की पे नॉक करता है, ऐसे करता है नहीं करता, कभी आप अनदेखा कर देते हैं उसको तो वो जोर जोर से और नॉक करता है, फिर आप निकाल के ऐसे दे देते हैं। इसी तरह जब हम जीवन में खड़े होते हैं ये कहकर के मुझे प्यार चाहिए, तो हम लोगों के ऊपर नॉक करते रहते हैं,
कि प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करो, प्लीज़ मेरे साथ ये करो, प्लीज़ ये करो, कोई हमारी तरफ देखता है, कोई देखता भी नहीं है। कोई थक कर थोड़ा सा ऐसे दे देता है, फिर हम अगले दिन फिर नॉक करते जाते हैं उनके जीवन पर, प्लीज ऐसे बन जाओ, प्लीज अपने अंदर ये चेंज कर लो, प्लीज वो कर लो, प्लीज ऐसा कर लो, प्लीज ये कर दो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है, मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है, आपके व्यवहार पर डिपेंडेंट है। ये उतना ही चाहिए है जितना वो जो खिड़की पर नॉक कर रहे हैं वो चाहिए है। सिर्फ फर्क ये है, उनके पास धन नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है। तो यहां संपन्न इज ब्यूटिफुल, वो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ यहां भी संपन्न होना चाहिए, आत्मा भरपूर। तो शिफ्ट करें, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करें। यस, बनना चाहते हैं ताकि हमें किसी की खिड़की पर नॉक ना करना पड़े, किसी को राय देना, किसी को शिक्षा देना, किसी को डिसिप्लिन करना, वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी मनोस्थिति उनके व्यवहार पर निर्भर कर देना, मतलब ऐसे खड़े हो जाना, ऐसे खड़े हो जाना कि आपने मेरा कहना नहीं माना या आपने ये ठीक नहीं किया तो मैं तो डिस्टर्ब होने ही वाला था, तो मेरी खुशी क्या हुई। स्थिर रह के, शांत रह के, शक्तिशाली रहकर सब काम करवाना, लेकिन हमारी मन की स्थिति किसी पर निर्भर न हो। जिस क्षण मुझ आत्मा की मन की स्थिति किसी पर निर्भर हुई, हम ऐसे खड़े हैं। अब एक मिनट आंख बंद कीजिए, चेक करिए लाइफ में आप किसके सामने ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब किस किस के व्यवहार पर, किसके एक शब्द पर मेरी मन की स्थिति निर्भर हुई हुई है। तो उनसे मुझे प्यार चाहिए, उनसे मुझे खुशी चाहिए, उनसे मुझे सम्मान चाहिए, उनसे मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। और आज मुझे आत्मा ने इसको चेंज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगा ये नॉर्मल है, हमें लगा इसमें रॉन्ग क्या है। दिख गए लोग, सभी दिख गए, सबको दिख गया, दिख गया। अच्छी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही होगी ऐसे खड़े हुए, नहीं आ रही ना अच्छी वाली फीलिंग ऐसे खड़े हुए। किसी का एक वर्ड और हम हिल जाते हैं, इसका मतलब हम अंदर से तो कितने कितने खाली हुए हुए हैं, कितने खाली हुए हुए हैं। इसलिए हर रोज, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग चेंज करनी है, ये कंडीशनिंग हुई है, कोडिंग होती है, एक अंदर कोडिंग हुई हुई है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, कोई ऐसा करेगा तो बुरा लगना तो नॉर्मल है, कोई ऐसा करेगा तो गुस्सा, ये नॉर्मल बोल दिया है समाज ने, मतलब ऐसे खड़े होना तो नॉर्मल है। सबसे पहली चीज, आज से नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे खुद को नॉर्मल की डेफिनेशन बताना होगा। मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर होनी चाहिए, इक्वेशन बहुत क्लियर रखना है। ये बहुत, ये सबसे ओबीडियंट चीज है, ये हम बताएंगे ही हमारा कहना मानेगा। मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर होनी चाहिए, मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर होनी चाहिए, हाँ संस्कार, पर किसके संस्कार। तो मेरी मन की स्थिति किस पर निर्भर, पक्का पक्का आज आपको लगता है मेरे मन की स्थिति मुझ पर निर्भर है। अगर मेरे मन की स्थिति मुझ पर निर्भर होगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहां थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? कोशिश तो उसी चीज की जाती है जो हमें लगे कि पॉसिबल भी है। क्या ये पॉसिबल है, इसको विजुअलाइज करना है, क्या ये पॉसिबल है कि माय माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी,
पॉसिबल है, इसको कहेंगे इमोशनल इंडिपेंडेंस। जैसे फिजिकल इंडिपेंडेंस, सोशल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बच्चा कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से पैसे मांगना, मुझे अपने पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमें मांगना अच्छा नहीं लगता ना, ये हमारा संस्कार नहीं है। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। भारत की संस्कृति कौन सी है? देने वाली। हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज कौन है? कौन है पूर्वज? हमारे परिवार के पूर्वज कौन है? हर परिवार कहता है ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता हैं। तो हमारे पूर्वज कौन है? देवी देवता, नाम में ही अर्थ है। देवी देवता, दोनों हाथ कैसे उनके? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है। तो वैसा बनना हमारे लिए बहुत क्या है, नेचुरल है। और जब हमारे हाथ ऐसे हो जाएंगे, हाथ मतलब फिजिकल चीज देने वाले नहीं, लेकिन जब हमारे संस्कार ऐसे हो जाएंगे देने वाले, तब ये सृष्टि कलयुग से सतयुग बन जाएगी। सतयुग मतलब देवी देवताओं की समाज, संसार। बनाना है कलयुग को सतयुग, कलयुग को सतयुग बनाना है, बनाना है। बट बहुत इजी है, सिर्फ क्या करना है, ऐसे से ऐसे से ऐसे करना है, कलयुग से सतयुग बन जाएगा। ये है कलयुग, अशुभ, दिया बुझा हुआ है। ये है शुभ, दिया जला हुआ है। देने वाली संस्कृति, देने वाला दाता होता है। और जो देवी देवता है, मतलब जो देने वाले हैं, उनके पीछे आभा मंडल कौन से रंग का होता है? वाइट। वाइट मतलब आत्मा की बैटरी चार्ज। कितना इजी है, कितना इजी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज से नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करनी है। क्या नॉर्मल है? मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर? खुद पर निर्भर। तो आज से पहली बात वोकैबुलरी चेंज, भाषा बदलेंगे आज से। यहाँ जो भी होगा, इसका मतलब ये नहीं आज से हम परफेक्ट बन जाएंगे संस्कारों में। बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, नाराजगी आएगी, चिंता होगी, भले सब कुछ हो, लेकिन आज से पहला चेंज, जब भी यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होगी तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार कौन? मैं। टेक द पावर हियर। जिम्मेवारी मेरी। ये नहीं कहेंगे इनकी वजह से मैं परेशान, इनकी वजह से मैं उदास, इसकी वजह से मैं नाराज। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी शक्ति कहाँ चली जाती है? और मैंने कहा यहाँ जो चल रहा है वो किसकी वजह से? इस एक इक्वेशन को चेंज करेंगे हम, ऐसे से ऐसे बन जाएंगे। रेडी? ब्लेम गेम, ब्लेम गेम खत्म। मैं नाराज किसकी वजह से? बोलते जाइए अभी आंसर। मैं नाराज किसकी वजह से? मैं परेशान किसकी वजह से? मैं उदास किसकी वजह से? मैं खुश किसकी वजह से? लाइफ सिंपल है, लाइफ सिंपल है। अभी क्या है, सब कुछ जो है, नाराज तो भी दूसरों की वजह से, खुश तो भी दूसरों की वजह से, कंप्लीटली पीपल डिपेंडेंट, सिचुएशन डिपेंडेंट। यहाँ पर हर थॉट और फीलिंग जो क्रिएट होती है वो हम क्रिएट करते हैं। जब कोई बात आती है जीवन में, कोई स्टिमुलस आता है, वो जब स्टिमुलस आता है तो हमारी चॉइस होती है हमें क्या थॉट क्रिएट करनी है। लेकिन हमने वो चॉइस वाला ऑप्शन इग्नोर कर दिया और हमने कहा उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगा, तो मेरा बुरा लगना किस पर डिपेंडेंट था? उन पर डिपेंडेंट था। तो ठीक किसको होना चाहिए? उनको ठीक होना चाहिए। तो हम वेट कर रहे हैं, प्लीज ठीक हो जाओ। और उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा आप क्यों नहीं ठीक हो जाते, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बिकॉज दोनों ने सोचा कि चेंज किसको होने की जरूरत है? दूसरे की। उन्होंने जो किया वो सही नहीं है, वी आर नॉट सेइंग उन्होंने सही किया है, उन्होंने जो किया वो सही नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया उस पे मेरी माइंड डिपेंडेंट नहीं है। मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने कैसा सोचा।
इक्वेशन को पूरी तरह से सही लिखना है। इक्वेशन सही ना हो तो पन्ने पन्ने भर दो, जीरो नंबर मिलते हैं। पहली लाइन पे इक्वेशन लिखी जाती है पेपर में, बच्चा सोचता है मैंने तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया आज, मतलब मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था अपनी लाइफ में तो सक्सेसफुल तो होना ही है, लेकिन पहली लाइन ऑफ इक्वेशन क्या थी। अब जीवन के किसी को भी ले आओ अपने सामने जो सही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो घर पे है, परिवार में है, बच्चे हैं, सब अपने अपने अलग अलग व्यवहार करेंगे। कभी अच्छा करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी आपके अनुसार करेंगे, कभी आपके विपरीत करेंगे, क्योंकि वो किसके संस्कारों अनुसार कर्म करने वाले हैं, वो अपने संस्कारों के अनुसार कर्म करने वाले हैं। हमारे संस्कार और उनके संस्कार अलग हैं, लेकिन वो अपने संस्कारों अनुसार कर्म करेंगे। उनको देखकर मुझे एक थॉट क्रिएट करनी है। लाइफ की प्रायोरिटी फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए, चाहे कोई भी सीन सामने से आ जाए, मेरी तरफ से क्रिएट की हुई थॉट सही होनी चाहिए। और सही के डेफिनेशन वो कि वो थॉट क्रिएट करने से आत्मा की शक्ति क्या हो, बढ़े घटे नहीं, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो बीमार नहीं। अगर किसी ने कुछ गलत किया और उस टाइम मैंने हर्ट क्रिएट किया, ऐसा किया, मुझे किया, सबके सामने किया, ये किया, वो क्या किया, फिर मुझसे क्षमा भी ना किया गया, फिर मैंने उस बात को पकड़ के भी रख लिया, तो उन्होंने जो किया वो तो किया, वी आर नॉट सेइंग कि उन्होंने सही किया, लेकिन उनके वो करने से मेरा शरीर बीमार नहीं हो सकता है। वो वहां खड़े होके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, मेरा शरीर बीमार नहीं हो सकता। मेरा शरीर किस चीज से बीमार होता है? उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने कैसा सोचा, कितना सोचा, कब तक सोचा, कितना पकड़ के रखा, उससे मेरे शरीर बीमार होता है। तो मेरा शरीर दूसरों की वजह से बीमार नहीं होता, मेरा मन दूसरों की वजह से दुखी नहीं होता, मेरा मन दूसरों के बारे में जो सोचता है उसके हिसाब से दुखी होता है। कौन सी चीज ज्यादा इजी है, सबको चेंज करना या अपनी सोच को चेंज करना? सबको चेंज करने की कोशिश की, कभी नहीं खुश रह सकते हैं, क्योंकि सब चेंज होने नहीं वाले हैं। जो इसलिए नहीं चेंज होने वाले क्योंकि वो जैसे हैं वो खुद को ठीक समझते हैं उस तरह से, और हो सकता है वो बिल्कुल ठीक है, मेरे लाइक्स और डिसलाइक से मैच नहीं करते हैं। कितना इजी है सिर्फ एक जने की सोच बदलनी है, कितना मुश्किल है हर एक को चेंज करने की कोशिश करना। तो आज से सिर्फ एक चीज अटेंशन रखनी है, फोकस किसकी सोच पर? फर्स्ट ब्लेम नहीं, फर्स्ट चीज आज से सिर्फ इतना, उसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं, स्टॉप। बोला भी ना अगर मन ने, क्योंकि पुराना संस्कार का रिकॉर्डिंग है, वो बोलेगा उसकी वजह से, फिर रुकना, उसकी वजह से सिर्फ वहां शोर मच रहा है, यहाँ का शोर मेरे शोर से मच रहा है। कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप, ब्लेम फिनिश्ड। बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम ऐसा करते हो तो मुझे चिंता तो होगी ही ना, फिर वो बहुत प्यार से हमें बोलते हैं आप चिंता मत करो ना, तो हम कहते हैं हम कैसे नहीं करें ना, हम आपको इतना प्यार करते हैं तो चिंता तो होगी ही। तो ब्लेम किस पर डाल दिया चिंता का? चिंता का ब्लेम किस पर डाल दिया? बच्चों पर। सो फर्स्ट स्टेप ब्लेम नहीं, जिम्मेवारी, ये सोच मेरी क्रिएशन है। चिंता करना या केयर करना मेरी चॉइस है। किसी ने गलती की, गुस्सा करना और कितना करना और कितनी देर तक करना, कौन से शब्दों को यूज करना, ये उनकी गलती पर निर्भर। नहीं होना चाहिए। यहां कोई है जिसने गलती की है और यहां हम हैं जिसने उस गलती को देखकर रिस्पॉन्ड करना है, तो उनकी गलती डिसाइड करेगी हम कितना गुस्सा करेंगे।
क्या आपने देखा है सेम गलती में दो तीन लोग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? उनका रिस्पॉन्स किस पर निर्भर है? उनके संस्कारों पर, इनकी गलती पर नहीं। और एक्चुअली जीवन में हमारा हर रिस्पॉन्स हमारे संस्कारों पर निर्भर है, परिस्थिति और सामने वाले की गलती पर नहीं। तो आज से सिर्फ ये नहीं कहना उसने ऐसा किया तो गुस्सा आना था, उसने ऐसा किया तो बुरा लगना था, उसने ऐसा किया तो चिंता होनी थी। उसने कुछ भी किया हो, मुझे जो होना है वो किस पर निर्भर है? क्या हम रुक कर अपनी सोच को चेंज कर सकेंगे? क्या हम रुक कर अपनी सोच को चेंज कर सकेंगे? सोच एक भाषा है, सोच एक भाषा है। हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, पहले दिन बच्चे को ये नहीं पता होता ये टेबल है ये चेयर है, उसको थोड़ी पता होता है। उसको कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं। कितना समय लगता है एक बच्चे को एक भाषा सिखाने में? कितना समय लगता है एक बच्चे को एक भाषा सिखाने में? एक दो साल, परफेक्ट। एक दो साल में एक बच्चा दो तीन भाषाएं सीख जाता है, एक थोड़ी सीख रहा होता है। दो तीन साल के अंदर उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है। वो इतनी सारी चीजें 2 साल में सीख लेता है। इसी तरह हर परिस्थिति में सही सोचना ये भी एक भाषा है। कुछ होता है, कोई कुछ करता है, ये सोचना ऐसे कैसे कर सकता था, मेरे साथ ऐसे कर सकता था, इसको समझ नहीं आता, ये एक भाषा है। और ये सोचना ये इनका संस्कार है, ये इस समय इनकी मनोस्थिति है, मुझे इनको राय देनी है और इनको दुआ देनी है और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक भाषा है। लेकिन ये भाषा इस मन को बोलना सिखाना पड़ेगा। सिखाएगा कौन हमें ये भाषा? सिखाएगा कौन? मन की भाषा किस आधार पर बनती है? सारा दिन हम आसपास से क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं। तो ये जो खिलौने हमारे जीवन में आए ना, ये अपने साथ भाषाएं भी लेकर आए हैं। सारा दिन हम कुछ ना कुछ सुन, पढ़, देख रहे हैं। 2 मिनट भी हम खाली नहीं बैठते हैं। लास्ट चेक करना आप कब 10 मिनट बैठे ऐसे बिना कुछ किए, जस्ट डूइंग नथिंग। किया कभी? जैसे ही 5 मिनट खाली होंगे फोन उठा लेंगे। हम खाली ही नहीं बैठते हैं, मतलब हम कितना फ्लडेड हैं चीजों के साथ जो हमें इन खिलौनों से मिल रही है। तो जिसके संग में रहेंगे, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? हम सिर्फ बोल रहे होते हैं उसके चारों तरफ वो भाषा। फिर वो बच्चा 3 साल की एज में स्कूल जाता है तो थोड़ी थोड़ी भाषा बदलती है कि नहीं बदलती है? शब्द बदलते हैं। फिर सब कहते हैं स्कूल से सीख के आया होगा, ये स्कूल से सीख के आया होगा। किसी ने स्कूल में बैठ के उसको सिखाया नहीं था वो शब्द, जस्ट वो चल रहा था उसके चारों तरफ। आजकल हम शब्द कहाँ से सीख रहे हैं? आजकल हम शब्द कहाँ से सीख रहे हैं? इसीलिए हमारी भाषा बदली हुई है, यहाँ की भाषा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी भी एक भाषा है। स्पिरिचुअलिटी एक भाषा है। अगर हम रोज ज्ञान को अपने अंदर भरते हैं, रोज भरते हैं भरते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन में इसकी भाषा अपने आप बदल जाएगी, संग का रंग। थैंक यू, शुक्रिया। ये भी हमारे नए संस्कार हैं। आजकल हमें हर चीज की फोटो चाहिए। कभी कभी हम रुक कर अपने आप से पूछते भी नहीं, क्यों चाहिए फोटो? क्यों चाहिए फोटो? हाँ जी, क्यों चाहिए फोटो? आपको पता है हर मोमेंट की एक एनर्जी होती है, हर मोमेंट में एक वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है और वो इटर्नल रिकॉर्डिंग बन जाती है।
लेकिन उस मोमेंट और उस वाइब्रेशन और उस एनर्जी को रिकॉर्ड करने की जगह हम उसकी फ़ोटो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, और फोटो की कोई वाइब्रेशन नहीं होती है, फोटो सिर्फ एक पिक्चर है। फिर उसके बाद वो फोटो हम पोस्ट कर देते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि अनजान लोग उस फोटो को लाइक करें जो उस सीन में थे भी नहीं। कर रहे हैं कि नहीं? यही तो हम कर रहे हैं। लाइक हमें करना था उस सीन को, इंस्टेड ऑफ लाइकिंग द सीन, इंजॉइंग द सीन, क्रिएटिंग योर एनर्जी इन द सीन, रिसीविंग एनर्जी, गिविंग एनर्जी, हम उस सीन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो चीज एक एनर्जी थी उसको स्थूल बनाने की कोशिश करते हैं, फिजिकल पिक्चर। फिर उस पिक्चर को दूसरों को दिखाते हैं, फिर सुबह वेट करते हैं, मैंने रात को पोस्ट किया था, रात को कितने लोगों ने उसको लाइक किया। देखो कैसे सूक्ष्म पे हम स्थूल पे जाते हैं हर चीज के अंदर। फिर इसने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, कल मैंने भी इसकी फोटो को लाइक नहीं करना। मैं ही क्यों लाइक करूं दूसरों को? दूसरे तो मेरी फोटो को लाइक नहीं करते हैं। फिर रात को बैठ के, भाई आज तो मैंने सबके पोस्ट को लाइक नहीं किया, तो बैठ के आधी नींद में आंखें आधी बंद हो रही होती हैं, सबकी चीज़ों को लाइक 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 कर देते हैं। दूसरा जना सुबह सुबह खुश हो जाता है कि मुझे इतने लाइक मिल गए। हमने लाइक करने से पहले देखा भी नहीं था उसने क्या डाला, हमने सिर्फ उठ के ऐसे 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 सबको लाइक कर दिया। तो ये जो हमें महिमा चाहिए भी ना, ये भी महिमा बहुत ऊपर 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 से मिल रही है ऐसे ही। महिमा अर्थात दुआ होती है। दुआ वो दे सकता है जो अंदर से सुकून में हो, खुद परेशानी में कौन सी दुआ क्रिएट हुई की है। तो हर चीज का जो एसेंस है वो सूक्ष्म है, हर चीज को सूक्ष्म से स्थूल पर लेके जाने की जरूरत नहीं है। उस सीन को एंजॉय कीजिए, वो सीन चला जाएगा, वो सीन फिर कभी नहीं आएगा। उस सीन के समय हमारे पास पावर थी कि हम उस सीन में एक एनर्जी क्रिएट करें, उस सीन में एक एनर्जी रेडिएट करें, उस सीन की एनर्जी रिसीव करें, लेकिन हम उस सारी पावर को छोड़ के हम परफेक्ट फोटो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फोटो की कोई एनर्जी नहीं होती है, वो सिर्फ एक पिक्चर है, और उतनी देर में वो सीन क्या हो जाता है? वो सीन क्रॉस हो जाता है। यहाँ पर फोटो खींचने के बजाय ये अटेंशन रखें, यहाँ पर फोन से फोटो खींच रही है हर क्षण। और अगर फोटो ही खींचने का अटेंशन रखना है तो और भी बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन यहाँ पर कौन सी फोटो खींच रही है उसका अटेंशन रखना है। सामने वाले ने कुछ किया, कुछ कहा, वो फोटो उस आत्मा पर खींचेगी। मैंने उसके बारे में कैसा सोचा वो मुझ पर खींचेगी। तो अभी अगर ऐसे फोटो खींची जा रही हो, आपके आसपास के लोग सारे ऐसे 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 बैठे हों, आप किस पर अटेंशन रखेंगे? आप किस पर अटेंशन रखेंगे? मेरी फोटो ठीक आनी चाहिए। फिर जब फोटो आपके सामने आ जाती है, आपका ध्यान सबसे पहले किसके ऊपर जाता है? इतने लोग होते हैं उस फोटो के अंदर, इतने लोग होते हैं उस फोटो के अंदर, तो पहले ध्यान किस पर जाना चाहिए? वो कैसे खड़ा है, ये कैसे खड़े है, किसी क्या करना है? सबसे पहले अटेंशन कैसे जाना है? मैं कैसे खड़ी हूँ, मेरा कपड़ा कैसे था, मेरे बाल कैसे थे, मेरी स्माइल। बस वही संस्कार को यहाँ यूज करना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है हमारा हर थॉट, हर फीलिंग, हर इंटेंशन, हर वर्ड, हर बिहेवियर आत्मा पर रिकॉर्ड होता जा रहा है। फोटो देख देख कर कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ये रिकॉर्डिंग होगी ये प्ले होती रहेगी, और ये मेरी इमोशंस क्रिएट करती हैं। अभी अभी किसी ने कुछ किया, मैंने एक थॉट क्रिएट की, वो थॉट यहाँ रिकॉर्ड हो गई, वो रिकॉर्डिंग मेरे संस्कार का हिस्सा बनता गया, वो तो चले गए, उनका बिहेवियर भी चला गया, मेरी रिकॉर्डिंग परमानेंट हो गई। तो अटेंशन किस पर होना चाहिए? अटेंशन किस पर होना चाहिए कि मुझ पर क्या रिकॉर्ड हो रहा है? और ये रिकॉर्डिंग तो इतनी परमानेंट है कि शरीर खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी, इतनी परमानेंट है। कोई भी और चीज इस जीवन में परमानेंट नहीं है उतनी। शरीर खत्म, अचीवमेंट्स खत्म, परिवार अब हमारे साथ नहीं, हम आगे चले गए जर्नी पर,
चीजें जो कमाई थी वो तो खैर वैसे भी नहीं जाने वाली थी, साथ में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है जो रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम कभी रुक कर सोचें कि जो परमानेंट है उस पर ही अटेंशन नहीं है और जो टेम्पररी है उस पर सारा अटेंशन है, और वो परमानेंट रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी, वो परमानेंट रिकॉर्डिंग मेरे इस जीवन में भी अपना भाग्य बना रही है और वो ही परमानेंट रिकॉर्डिंग आगे जाकर मेरा भाग्य आगे भी बनाएंगे। बच्चा पैदा होता है, अलग अलग संस्कार लेकर आता है। बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म पत्री बन जाती है। किसके आधार से बनी, किसके आधार से बनी? अब चेक करते हैं, इन्होंने गलत व्यवहार किया, मैंने इनके बारे में सोचा, यहाँ रिकॉर्ड हो गया, मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये साथ नहीं गए, ये साथ नहीं जा रहे, इन्होंने जो किया वो साथ नहीं जा रहा, इन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने क्या सोचा वो साथ जा रहा है। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? जो इटर्नल है, जो अविनाशी है, जो परमानेंट है, जो इस जीवन में भी भाग्य बनाती है और जन्म जन्म यही भाग्य बनाती है। फिर जीवन में जब कुछ बात आती है तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता है, मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग की है। ये अगर क्लियर हो गया तो लाइफ का फोकस बहुत क्लियर हो जाता है। अचीवमेंट करनी है लेकिन अचीव करते हुए रिकॉर्डिंग पर अटेंशन रखना है। अब सिर्फ अगर हम इतना ध्यान रखें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना है, कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन सब कुछ करते हुए रिकॉर्डिंग पर ध्यान रखना है, हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? काम करना है लेकिन रिकॉर्डिंग पर ध्यान रखना है, बच्चों को संभालना है लेकिन रिकॉर्डिंग पे ध्यान रखना है, हो सकता है? अगर बिजनेस करना है लेकिन रिकॉर्डिंग पे ध्यान रखना है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा फिर बिजनेस करते हुए? हम कैसा व्यवहार करते हैं सबसे, हमारा धन कमाने का तरीका क्या है, हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, वो समाज को सुख देता है या समाज को नीचे खींचता है? धन हमारे घर दुआओं के साथ आता है? हमारे कर्म में एथिक्स की क्या परिभाषा है? नॉर्मल जो एथिक्स चल रहे हैं वो ही मेरे हैं या मैंने अपने एथिक्स की परिभाषा को और ऊपर उठाया हुआ है? दूसरे क्या कर रहे हैं या ये मुझे देखने की जरूरत है? दूसरों से मुझे आगे जाना है, क्या ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? अगर सामने वाला कुछ गड़बड़ गड़बड़ वाली रिकॉर्डिंग करके आगे जा भी रहा हो तो मुझे उसके साथ आगे जाने के लिए मुझे भी कुछ फिर करना पड़ेगा, बट उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है रिकॉर्डिंग को चेक करना, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ वो है, तो मुझे अटेंशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो कर्म और संस्कार और अचीवमेंट, अचीवमेंट रोल पोजीशन धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ आ जाएगा इस साइड पर, और यहां पर सिर्फ कर्म और संस्कार एक इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है? एक इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है? इन दोनों का कनेक्शन देख लीजिएगा, अचीवमेंट से संस्कार अच्छे बन जाए ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन संस्कार अच्छे हो तो अपने क्षमता से ज्यादा अचीवमेंट हो जाएगी, ये कनेक्शन पक्का है। ये है या नहीं कनेक्शन? अपने आप कनेक्शन है। धन ज्यादा कमाएंगे तो दुआएं आएंगी, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दुआएं कमाएंगे तो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे, ये कनेक्शन है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, जरूरी नहीं है धन काम आए, लेकिन जीवन में मुश्किलें आएंगी तो दुआएं असंभव को संभव कर देती हैं, ये कनेक्शन है।
है कनेक्शन या नहीं कनेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है ये साइड इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब है दोनों इम्पॉर्टेंट है, और अगर दोनों में से कोई एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो ये वाला इम्पॉर्टेंट है। जब इसको प्रायोरिटी कर ली तो फिजिकल कम्फर्ट भी आ जाएगी, इमोशनल कम्फर्ट भी आ जाएगी, संस्कृति रिच बन जाएगी, संस्कार खुशहाल बन जाएगा। तो अटेंशन किस पर? कर्म और संस्कार। टाइम है, टाइम है उस पर अटेंशन देने के लिए। टाइम है आज से ये कभी नहीं बोलना कि मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। जब हम ऐसा बोलते हैं मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, हम कह रहे हैं ये हाथ मैटर नहीं करता, इस पे और ज्यादा लाना है। यही तो हम कह रहे हैं ना, ये मैटर नहीं करता, इस पर और लाना है। तो टाइम है हमारे पास, टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? प्रायोरिटी, संस्कार और कर्म। सामने वाला सही संस्कार यूज कर रहा है कि नहीं, सामने वाला सही कर्म कर रहा है कि नहीं, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। राय देना हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, लेकिन सामने वाले का कर्म और संस्कार हमारा भाग्य बिगाड़ता नहीं। हमें ऐसा लगता है कि वो उनके कर्म से हमारा भाग्य बिगाड़ देंगे, किसी का भी कर्म हमारा भाग्य अफेक्ट नहीं कर सकता है। हमारा भाग्य किसके कर्मों से बनता है? यहां तक कि बाहर नहीं जाना, दूर अपने घर में लेकर आओ। आपके बच्चे हैं, किसी किसी का कुछ अलग सा संस्कार होता है, कर्म ही कुछ और किए जा रहे हैं। हमारा रोल क्या है? उनकी पालना करना, उनको राय देना, उनको शिक्षा देना, बट साथ साथ ये याद रखना वो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जो हम ऐसे बोलते हैं, वो भी जस्ट अ सोल ऑन अ जर्नी है, वो भी आत्मा है। पहले एक कॉस्ट्यूम में थे, आज इस कॉस्ट्यूम में हैं। पहले कॉस्ट्यूम में वो कर्म और संस्कार बना कर आए हैं, अपना भाग्य वो इस कॉस्ट्यूम में लेकर आए हैं। इस कॉस्ट्यूम में आके भी वो अपने कर्म और संस्कार बना रहे हैं। हमारा रोल है उनके कर्म और संस्कार को हम एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट हम उनकी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उसको सोल ऑन अ जर्नी नहीं देखते, हम कहते हैं मेरा बच्चा है तो मेरे बच्चे की जीवन परफेक्ट होनी चाहिए। नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसके जीवन को अगर परफेक्शन की तरफ लेकर जाना है तो एक ही तरीका है कि मेरे से उसको वाइब्रेशन कौन सी मिलती रहे। तो अगर सपोज मैं वो बच्चा हूं और मैं अपने पिछले या इस जीवन काल में कोई कर्म ऐसा करके आई हूं जिसकी वजह से मेरे लाइफ में चैलेंज पे चैलेंज आता ही जा रहा है, और आप मेरा पेरेंट है, आप उस चैलेंज को नहीं हटा सकते मेरी लाइफ से, क्योंकि वो मेरे कर्म का लेखा जोखा है। वो प्लीज रिमेंबर, आपका बच्चा भी सोल ऑन अ जर्नी है, वो अपना कर्म और भाग्य लेकर आया है, और आपको उसके भाग्य में बहुत अच्छी चीजें दिखाई देंगी। कभी कभी उसके भाग्य में हमें कुछ चैलेंज भी दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे ही आपको फैमिली के मेंबर के जीवन में कोई चैलेंज दिखाई दे तो अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखना कि मेरा रोल क्या है अभी। अगर इनके लाइफ में चैलेंज आया तो मेरा रोल क्या है एज अ फैमिली मेंबर, क्या करना है। हम उनके जीवन का चैलेंज नहीं हटा सकते। फर्स्ट उनके जीवन का चैलेंज सॉल्व करने के लिए कैसे होगा? उनके कर्मों से होगा। उनके कर्मों को स्ट्रॉन्ग हम बना सकते हैं, क्या करके? उनको अच्छी एनर्जी भेज के। लेकिन अगर हमने कहा मेरे बच्चे के जीवन में ऐसा है तो मुझे दुख तो होगा ही, मुझे चिंता होगी ही, मुझे रोना आएगा ही, तो मैंने कौन सी एनर्जी भेज दी? और जब मैंने ऐसी एनर्जी भेज दी वो वैसे ही थोड़ा सा इसकी वजह से वो चैलेंज था, और जैसे ही मेरी तरफ से दर्द वाली एनर्जी गई, दर्द वाली एनर्जी भी तो नेगेटिव एनर्जी है ना, दर्द वाली एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी है। दर्द वाली एनर्जी जब नेगेटिव गई तो उस आत्मा का कर्म
जो कि पहले ही थोड़ा सा भारी था, अब मेरी नेगेटिव एनर्जी से क्या हो जाएगा? तो एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, अगर हमारे परिवार में किसी के जीवन में कोई चैलेंज आ रहा है, फिजिकल हेल्थ चैलेंज, मेंटल हेल्थ चैलेंज, करियर चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज, कोई भी चैलेंज आ रहा है, हमारा रोल क्या है, क्या देना है? हम एक ही चीज कर सकते हैं सिर्फ, हम उनकी शक्ति को क्या करें, बढ़ाएं। बोल बोल के नहीं, बोलने से शक्ति नहीं बढ़ती किसी की भी, क्या करने से? उनके लिए अच्छी थॉट सच। लेकिन हम कहते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं अच्छा कैसे फील कर सकती हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे अच्छा फील करने की ज़रूरत है। क्योंकि अच्छी थॉट्स, अच्छा फील मतलब ये नहीं मैं बहुत हैप्पी एक्साइटेड हूँ, अच्छा फील मतलब राइट थॉट्स क्रिएट करना, पावरफुल थॉट्स क्रिएट करना, इम्पावर करना। वो आत्मा अगर यहाँ है तो हमारी वाइब्रेशन से वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगी, फैमिली की एनर्जी से हम या तो थोड़ा ऊपर जा सकते हैं या हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो हमें कहाँ लेकर जाना है उनको? थोड़ा ऊपर। और थोड़ा ऊपर लेकर जाकर उनके कर्म क्या हो जाएंगे? थोड़े ऊपर। और उनके कर्म जब थोड़े ऊपर हो जाएंगे तो उनका भाग्य क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर। लेकिन हम उनसे इतने अटैच्ड हैं और हमें लगता है अटैचमेंट नेचुरल चीज है। तो अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति पर निर्भर, आप उदास तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? खुश मतलब एक्साइटेड नहीं, खुश मतलब राइट थिंकिंग। कलयुग का समय जो चल रहा है, अनेक कर्मों के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। अगर परिवार में किसी भी सदस्य के सामने कोई हिसाब किताब सामने आता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको एम्पावर करना। लेकिन हम उनको देखकर अगर डिसएम्पावर हो जाएंगे तो हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं रहे हैं। राइट बात है? तो उसके लिए हमको, हमारी जिम्मेवारी किसका ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है? हम कहते नहीं बच्चों को संभालना इसलिए हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। बच्चों को संभालना मतलब बच्चों को शक्तिशाली बनाना। आज हमने मेहनत करके उनको सब कुछ दे दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हमने उनको अभी उतना शक्तिशाली बनाया नहीं जो इस जीवन काल में शक्ति जरूरत है। उल्टा कहीं ना कहीं हमने सब कुछ उनके लिए इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि उनके मन को एडजस्ट ही नहीं करना पड़ा। बचपन में जीवन में फिजिकल चीजें ही ज्यादा होती है, इमोशनल तो कोई चैलेंज होता नहीं है एक बच्चे के जीवन में। हमने उनको सब कुछ इजी, सब कुछ इजी, सब कुछ इजी दे दिया तो उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ा, उनको सहन नहीं करना पड़ा, उनको टॉलरेट नहीं करना पड़ा। क्योंकि ये करना नहीं पड़ा तो उनके अंदर वो करने का संस्कार क्रिएट नहीं हो रहा। तो धन आया तो धन अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आया है। आप अपने बचपन में जाओ, बहुत सारी चीजें थी जो हमारे पास नहीं थी, तो हमें एक एक चीज के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। वो तो पैदा हुए तो उनके पास सब कुछ था, और सब कुछ था और हमने किसी चीज के लिए ना नहीं बोला तो उनके पास ना सुनने की भी आदत नहीं है। लेकिन जीवन उनको हमेशा हाँ जी नहीं करेगा, मतलब लाइफ विल नॉट ऑलवेज गिव देम एवरीथिंग द वे दे वांट इट टू बी। उनका स्पाउस भी हमेशा वैसा नहीं करेगा, सिर्फ पेरेंट ही कर सकता है। लेकिन पेरेंट वैसा करके बच्चे के हित के लिए नहीं कर रहा है। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए ले लो, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए ले लो, ये ले चाहिए। सब कुछ उसको देते जाएंगे जो उसने मांगा, जो उसने कहा। अगर हमने नहीं किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम डर के फटाफट दे दिया। छोटे छोटे बच्चे आजकल मम्मी पापा कहते हैं वो ये सब्जी नहीं खाते। अच्छा तो दो ना फिर खाने के लिए। कहते नहीं वो खाते ही नहीं। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कहा मेरा बच्चा ये सब्जी खाता ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है खाना मत दो। मुझे ऐसे देख रही थी, मतलब
का खाना मत दो, कितनी देर नहीं खाएगा वो, कितनी देर नहीं खाएगा वो खाना। उसको बोलो ये सब्जी बनी है, खाना तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ, चॉइस है। हमारे साथ तो ऐसे ही किया जाता था, खाने में ये सब्जी बनी है, खाओ तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ। तो हम आज सारी सब्जियां खा रहे हैं। वो कहते नहीं, हमारा एक लिस्ट है, मेरा बच्चा ये सब्जी नहीं खाता, ये सब्जी नहीं खाता, ये सब्जी नहीं खाता, ये सब्जी नहीं खाता। और हम इसको इनकरेज कर रहे हैं क्योंकि हम इतना डर जाते हैं उनको बोलने के लिए कि नहीं खाना है तो नहीं खाओ, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, मेरे नंबर थोड़े आने हैं तुम्हारे पढ़ने से। वी हैव टू बिकम लिटिल स्ट्रिक्ट, नो गुड वर्क लाइक दिस। फिजिकली भी उनको बीमार कर देंगे, न्यूट्रिशन की कमी दे देंगे सारा दिन पास्ता बर्गर ये सब खिला के। नहीं, मेरा बच्चा तो वो ही खाता है, तो वो तो खाएगा ही ना टेस्टी चीज़ें, पर टेस्ट हेल्थ तो नहीं लाने वाली है, हेल्दी चीज़ें कौन खिलाएगा। बट उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे ही हम स्ट्रिक्ट होते हैं वो चीखते हैं, जैसे ही वो चीखते हैं हम डरते हैं, हम फटाफट दे देते हैं। लेकिन जीवन में जब वो चीखेंगे, हम कैसे देंगे उनको जीवन में जो उनको चाहिए होगा। सब कुछ सिर्फ खाना पीना नहीं होता है। वी हैव टू लर्न दिस, वी हैव टू से अ नो। व्हेन वी से अ नो दे विल लिसन टू अ नो, एंड नो बोलकर उनको वो नो सहन करना है। तब जब वो बड़े होंगे वो जीवन के नो को सहन कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो इतने फ्रजाइल बनते जा रहे हैं, इतने फ्रजाइल बनते जा रहे हैं। फिजिकली भी देखो, हर चीज को सहने, ये टच कर दिया इसके हाथ को फटाफट, तो ये कर दिया वो, हम क्या किधर गिर रहे थे, क्या हाथ लग रहा था, क्यों किसी ने कुछ देखा ही नहीं कभी। तो इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप क्या बन जाता है, स्ट्रांग। तो एक होता है फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम, एक होता है स्कूल के बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है, स्कूल के बच्चों को पैनिक अटैक हो रहा है, इसका फ्यूचर क्या है हमारा, फ्यूचर क्या हमारा। उसका रीजन सिर्फ ये है, हमारे पास इतना कुछ आ गया था तो हमने कहा आप सब कुछ ले लो, हम ना नहीं बोलेंगे आपको। ना इसलिए नहीं बोलना होता क्योंकि हमारे पास है, ना इसलिए बोलना होता है ताकि उनके पास सहन करने की शक्ति आ जाए। वो 25 साल की एज में सडनली नहीं क्रिएट हो जाएगी वो शक्ति। 25 साल किसी को झुकने को ही नहीं बोलो, स्टिफ रहे, और 25 ईयर्स के बाद उसको सडनली बेंड करना पड़े, वो कैसे बेंड करेगा, कैसे करेगा। तो जो कुछ हमारे पास सडनली आ गया ना, हमें उसको बैलेंस करना नहीं आया है। सो एवरीथिंग इज कमिंग एट अ कॉस्ट, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फोकस उनके संस्कारों पर, उनके कंफर्ट्स पर नहीं। रोने दो उनको, अच्छा है कि अभी फिजिकली रो रहे, नहीं तो जीवन में मन से रोएंगे। रोने दो, डरते क्यों है उनको रोता हुआ देखकर। रोने दो, चीखने दो, नाराज होने दो, बात करना बंद करने दो, दैट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। लेकिन वो अभी सीख जाएंगे ना कि मुझे जीवन में जब मेरे अनुसार चीजें नहीं होती तो मुझे कैसे अडेप्ट करना है उसके साथ। लाइफ हर चीज परफेक्ट नहीं देने वाली है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है, आई द सोल, मैं आत्मा। वो करने की भी मेरे अंदर शक्ति होनी चाहिए ना, लेकिन अटैचमेंट इतनी है, वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं, हम ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, हम ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, और हम फटाफट फटाफट उनको वो चीज दे देते हैं। तो अटैचमेंट हमें भी कमजोर बनाता है, और अटैचमेंट उन्हें भी कमजोर बनाता है, क्योंकि अटैचमेंट है ही ऐसे। प्यार हमें भी मजबूत बनाएगा और प्यार उन्हें भी मजबूत बनाएगा। प्यार और अटैचमेंट में फर्क होता है। अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है, आप रोएंगे तो दर्द मुझे होगा। और प्यार मतलब मेरे मन की स्थिति आपकी मन की स्थिति से अलग है, आप रोएंगे तो भी मैं देखूंगी कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है और मैं तो भी आपको दुआ भेजती रहूंगी। प्यार एम्पावर करता है, अटैचमेंट डिप्लीट करता है। तो ये नहीं बार बार बोलना हमारी बड़ी अटैचमेंट है, हमारी बड़ी अटैचमेंट है, रॉन्ग वर्ड को अफर्म कर रहे हैं। हमारा एक दूसरे से बहुत प्यार है, अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट वर्ड नेगेटिव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच विकार, और पांच विकार में एक विकार है मोह। तो वो तो विकार का दर्जा दिया गया है उसको।
पांच विकार में एक विकार है मोह। विकार मतलब वो जिससे आत्मा की शक्ति क्या होती है, डिप्लीट होती है। एंड गुण मतलब वो जिससे आत्मा की शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो काम क्रोध, काम मतलब कामना, इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो ये विकार है, विकार को नेचुरल बोलना, और जो नेचुरल है उसको बोलना मुझे चाहिए, तो इट्स कमिंग एट अ कॉस्ट। तो इसलिए छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस अपने घर में लेकर आने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रायोरिटी संस्कारों को बनाना है, प्रायोरिटी मनोस्थिति को बनाना है, प्रायोरिटी घर के वाइब्रेशन को बनाना है, घर की ऊर्जा को प्रायोरिटी बनाइए है कि हमारे घर की वाइब्रेशन कैसी है। सिर्फ घर में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या खरीदा हुआ है, वो तो हो गया आ गया सब कुछ, मेरे घर की वाइब्रेशन कैसी है। वाइब्रेशन किससे बनती है, जो शब्द घर में गूंजते हैं। एक शोर मचाए दूसरा चुप हो जाए, घर की वाइब्रेशन बच जाएगी। एक गलत बोले दूसरा चुप कर जाए, घर की वाइब्रेशन बच जाएगी। उस घर की वाइब्रेशन में सब पलते हैं और बड़े होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन घर में कले शोर निंदा, हमारे घर में किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए। कर सकते हैं हम इतना, कर सकते हैं कि हमारे घर में बैठकर हम किसी और के बारे में एक नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। वो उसका व्यवहार होगा, लेकिन उसके बारे में बात करने से हमारा घर क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। दो तीन चीजें बना लीजिए, अपने घर में बैन कर दीजिए, ये हमारे घर में नहीं हो सकता। करें एक चीज, पहला ट्रू रूल, हमारे घर में कोई किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकता। कर लें, इजी। क्या हुआ, इजी हो ना हो जरूरी तो बहुत है, और थोड़े दिन अटेंशन रखेंगे तो जो जरूरी है वो इजी बन जाएगा, क्योंकि वो हमारा संस्कार बन जाएगा। नहीं तो अगर अभी आप चेक करो हमारी कितनी कॉन्वर्सेशन, एक्चुअली बहुत, जब भी आप किसी से मिलते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, पार्टी में जाते हैं, हर इंटरेक्शन के बाद चेक करिएगा बैटरी चार्ज हुई या बैटरी मेडिटेशन के बोले बुलाओ तो बोलते टाइम नहीं है, पार्टी के लिए जाना सब टाइम है, चाहिए पार्टी के लिए, पर ध्यान रखिएगा कि पार्टी से जब आप वापस आ रहे हैं तो बैटरी चार्ज हुई हो, और उसका अर्थ है कि उस पार्टी में वाइब्रेशन कैसी थी, कॉन्वर्सेशन कैसी थी, खाना पीना कैसा था, नजरिया कैसा था, दृष्टिवृत्ति कैसी थी। ये अटेंशन रखना है, नहीं तो हम इस चीज को एंटरटेनमेंट और सोशलाइजिंग कैसे बोल सकते हैं, जिसमें हमारी शक्ति क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। बट सब लोग जाते हैं तो हमें भी जाना है, फिर वही क्राइटेरिया हो गया, पेंटिंग किसकी चॉइस की है। उस टाइम बोलना तो बहुत इजी था, पेंटिंग हमारी चॉइस की बन रही है, पेंटिंग लेकिन हमारी चॉइस की बन नहीं रही है। हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। तो आप एक जाओ एक गैदरिंग में, आप सिर्फ चेक करो, इधर खड़े हुए क्या बात की, इधर खड़े हुए क्या बात की, इधर खड़े हुए क्या बात की, इनसे क्या बात की, या तो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो उस कमरे में ही नहीं है, या गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या दूसरे देश में युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई वहाँ युद्ध चल रहा है, वो सॉर्ट आउट करेंगे, हम यहाँ क्यों युद्ध क्रिएट करते हैं बार 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 उसके बारे में बात करके। शब्द हैं वो, जिस शब्द को बार 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 उच्चारण करेंगे वो हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाता। वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको, सबको क्या करना चाहिए वो पता है, सिर्फ दूसरों के बारे में बात करनी है तो दूसरों ने जो अच्छा किया है उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि सब लोग बहुत कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं देश में, शहर में, दुनिया में। Why don't we talk about it? जितना अच्छा जो हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो कौन से शब्द उच्चारण हो रहे होंगे,
हमारे मन की स्थिति पर क्या रिकॉर्ड होता जा रहा होगा, हमारे शरीर पर कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, घर में हवा में क्या चला जाएगा। शब्द शब्द करके देखें। 24 घंटे का होमवर्क करते हैं, सिर्फ 24 घंटे, आज 8 बजे से लेके कल 8 बजे तक मैंने किसी के लिए नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। ज्यादा डिप्लीशन तो दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलकर हो रही है, ज्यादा डिप्लीशन हो रही है क्योंकि कलयुग है ना, तो कलयुग में गलत होता हुआ बहुत दिखाई दे रहा है। हम कुछ भी गलत ना कर रहे हो, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी गलत है। या तो उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हो तो जाकर उसके बारे में बात करें, बाकी सिर्फ उसके बारे में बात करना तो वो गलत कहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है। मुझे आत्मा की शक्ति घटती जा रही है। सो पहली चीज, घर का वाइब्रेशन चेंज करने के लिए किसी के भी बारे में नेगेटिव शब्द, डन। फर्स्ट होमवर्क, हवा 2 दिन में चेंज हो जाएगी घर के। अगर कोई अपना वॉल्यूम बढ़ाता है तो दूसरा अपना घटा के कम कर देगा। घर में शोर नहीं मचना चाहिए, बात करनी है तो आराम से बात करते हैं। अगर सामने वाला आराम से बात करने की स्थिति में नहीं है तो अभी टॉपिक को नहीं छेड़ते, लेकिन बात करना बंद नहीं करते हैं। मौन कभी नहीं होना चाहिए घर के अंदर, मतलब वो वाला मौन, नेगेटिव वाला मौन कि हमने बात करनी बंद कर दी। हर एक का आजकल अपना अपना फिगर है, हम कितने देर बात करना बंद करते हैं जब कुछ होता है। आप में से कोई बात करना बंद करता है जब कुछ होता है ऐसा? किस किस के पास संस्कार है बात बंद करने का? हाँ जी, है संस्कार बात बंद करने का? बहुत इजी है, अब भी से चेंज करते हैं। जैसे ही हम बात करना बंद करते हैं यहाँ की शक्ति घटती है, यहाँ पर असर करता है, लोगों पर असर करता है, घर की वाइब्रेशन दूषित होती है। कितनी देर में हम नॉर्मल हो सकते हैं कुछ हो जाए तो? हो गया कुछ, आर्ग्यूमेंट भी हो गई, सपोज शोर भी मच गया, उसके बाद हम कितनी देर में नॉर्मल हो सकते हैं? कितनी देर में नॉर्मल हो सकते हैं? हाँ जी, नेक्स्ट डे। हाँ जी, अच्छा 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, देखो अभी फिगर अलग अलग है। नेक्स्ट डे 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, और कोई फिगर? 5 सेकेंड्स, 1 आवर। अभी अपने आप से पूछते हैं कि ये जो हम टाइम सेट कर रहे हैं, इस टाइम में हमने करना क्या एग्जैक्टली है? जितनी देर मौन रहेगा ना, यहाँ नेगेटिव थॉट्स ही चलेंगे सिर्फ। जितनी देर मौन रहेगा उतनी देर नेगेटिव चलेगा। जब तक हम नॉर्मल पे नहीं आएंगे, माइंड नॉर्मल पर नहीं आएगा। उस झगड़े में उतनी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती जितनी वो मौन में हो जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, जिनसे हम बात करना बंद करते हैं वो परिवार है। कल उनके मन पर कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम पर आएगा, कल उनके शरीर को कुछ हो गया तो हम अपना ये घर बेचने के लिए रेडी होंगे उनका इलाज करने के लिए। जब उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं तो थोड़ा सा अहंकार को झुकाने के लिए रेडी नहीं हो सकते? लेकिन मैं क्यों बात करूं पहले, यही तो लाइन है, मैं क्यों पहले बात करूं, गलती तो उसने की थी, मैं करूं क्योंकि मेरे अहंकार से बड़े मेरे रिश्ते हैं। अहंकार को छोटा कीजिए, छोटा कीजिए। बहुत नुकसान होता है इस मौन से, बहुत नुकसान होता है, घरों में बहुत भारीपन आ जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे सीख जाते हैं कि जब भी कोई बात हो तो ऐसे हैंडल किया जाता है, बात करना बंद कर दो, फिर कल जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे वो बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि सीखा उन्होंने, वही सीखा, दिस इज द वे टू बी। नहीं, दे हैव टू लर्न कि कुछ हो तो भी वो सिर्फ एक बात है, हमारा ओपिनियन मैच करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी गेट बैक टू नॉर्मल। आत्मा की शक्ति घटती है
रिकॉर्डिंग होती जाती है, उस मौन में सिर्फ वो दिन का झगड़ा याद नहीं आता, उस मौन में जीवन के सारे झगड़े याद आ जाते हैं। होता है कि नहीं? पीछे स्टोर में जो सामान पड़ा होता है सारा बाहर निकल आता है जितनी देर मौन में रहते हैं। और एक्चुअली तो स्टोर में पीछे कोई सामान पड़ा ही नहीं होना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले अपने मन को साफ कीजिएगा उस दिन के सारे संस्कार जो सही नहीं थे। अगर दिन में कोई गलत रिकॉर्डिंग हो जाए, रात को सोने से पहले उसको ठीक कर दीजिए। अगर रात को सोने से पहले उसको ठीक कर दिया, वो एडिट हो जाएगा थोड़ा, लेकिन अगर सो गए उस रिकॉर्डिंग के साथ तो वो संस्कार गया सबकॉन्शियस माइंड में, फिर तो उसको एडिट करना थोड़ा मुश्किल है। एडिट करना है, मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, रात को सोने से पहले सॉरी भेजो। किसी ने मेरे साथ किया, इट्स ओके, आई फॉरगिव, फिनिश्ड। किसी की मैंने निंदा की, रुक कर मन में सॉरी बोलकर उसकी विशेषता देखो, रिकॉर्डिंग को एडिट करो, नहीं तो नींद में वो रिकॉर्डिंग किधर चली जाती है? डीप चली जाती है। संस्कार क्या होता जाता है? पक्का होता जाता है। रात को सोने से पहले 15 मिनट हमारे अपने होने चाहिए। कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नेगेटिव शब्द उस टाइम नहीं जाने चाहिए। कंटेंट का बहुत ध्यान रखना है, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो हम बनते हैं। भाषा को बचाना है तो सुनने पढ़ने देखने वाली भाषा को चेक करिए। एंटरटेनमेंट के नाम पे गलत भाषा ना सीखते जाएं। एक सीरियल से शुरू किया, फिर डेली एपिसोड हो गया, फिर दिन में कई एपिसोड हो गए, फिर फोन पे सारे एपिसोड आ गए। वो अपना भाग्य बनाते गए, हम अपना भाग्य। फिर हमने कहा आज तो मैंने सारे एपिसोड देख लिया, आज संडे था, रात को पार्टी पे जाएंगे तो लोग पूछेंगे वो वाली सीरीज देखी, तो मैं ही एक थी जिसका बच्चा था, बाकी सब ने तो देखा हुआ है। अगेन, मेरी पेंटिंग सबकी चॉइस की बन रही है, सबकी चॉइस की बन रही है। नहीं, हैव द स्ट्रेंथ टू से मैंने नहीं देखा वो। लोग कहेंगे हो ऐसे कैसे आपने वो नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, ऐसे कैसे हो सकता? भाई नहीं देखा, मेरी चॉइस, मेरी चॉइस, मुझे नहीं देखना। नहीं, आपको देखना ही होगा, बहुत अच्छा है। हाँ जी, आपको अच्छा लगा, पर मुझे नहीं देखना। द पावर टू स्टैंड अलोन, द पावर टू स्टैंड फॉर पावर इनसाइड, ये चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म है कि लोग क्या कहेंगे, बहुत बहुत सटल है, बहुत सटल है, इसकी तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। तो कॉन्टेंट का ध्यान रखें और अपने जीवन में थोड़ा सा प्योर कॉन्टेंट ऐड कर दें। आज हम बैठे 2 घंटा, बहुत सारी बातें निकली, सोच चलेगी ना, कुछ तो सोचेंगे, थोड़ा सा एक ट्रिगर तो हुआ, एक ट्रिगर होगा, 2 थॉट्स चेंज होंगी, 2 थॉट्स चेंज होंगी, कल एक रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। कर्म बदला सिर्फ क्या करने से? 2 घंटा आपस में बात करने से। लेकिन कल जाएंगे कोई ऑपोजिट बात करेंगे तो फिर से रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। इसीलिए ज्ञान रोज अपने अंदर भरना चाहिए, रोज 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 रोज। ज्ञान अगर रोज अपने अंदर भरता जाए तो भाषा बदलती जाएगी सोच के, संस्कार बदलते जाएंगे, पावर बढ़ती जाएगी। तो रोज सुबह का 1/2 घंटा और रात को सोने से पहले 10 मिनट ज्ञान अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 टाइम बहुत क्रूशल है। ये 2 टाइम में जो जाता है वो सबकॉन्शियस में डीप चला जाता है। कर सकते हैं रात को 10 मिनट सोने से पहले? कुछ नेगेटिव नहीं जाना चाहिए और बहुत डिवाइन कंटेंट अंदर जाना चाहिए। कोई भी, कोई किताब पढ़ें, कुछ सुने, जो भी, लेकिन डिविनिटी अंदर जानी चाहिए। जो अंदर जाएगा वो हम बनेंगे। सुबह दिन की शुरुआत फोन से नहीं होती है, साधन ध्यान से यूज करने हैं। सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखें, इसको एनर्जाइज करें, इवॉल्व करें, इसको और ऊपर उठाएं, तब हम दोनों कंफर्ट्स कमा लेंगे, ये वाला कंफर्ट भी, ये वाला कंफर्ट भी। तो जीवन का ओवरऑल सारा दिन का कम से कम 1 घंटा इसके लिए होना चाहिए, 23 घंटे इसके लिए। अगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे, कर्म और संस्कार अचीवमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको 23 घंटे और इसको 1 घंटा उतना तो बनता ही है ना, बनता है या नहीं बनता है?
जबकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट डूइंग इसको 23 इसको 1, वी आर सेइंग इसको 1 इसको 23। कर सकते हैं ना, बहुत इजी है। तो मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाएं, सात्विकता को जीवन का हिस्सा बनाएं, डिवाइन लैंग्वेज को जीवन का हिस्सा बनाएं, श्रेष्ठ कर्म और संस्कारों को जीवन का हिस्सा बनाएं, तो दोनों चीजें कमाएं, दोनों चीजें कमाएं, दोनों चाहिए। ये नहीं कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। तो मेडिटेशन सीखेंगे, सीखेंगे मेडिटेशन अर्थात यहाँ की कोडिंग को कैसे चेंज करना है, जो पुराने संस्कार रिकॉर्ड हो गए हैं उनको कैसे चेंज करना है, जो पुराने इम्प्रेशंस यहाँ रिकॉर्ड होंगे इनको कैसे क्लीन करना है। और पुराने मतलब कुछ पुराने तो पुराने पुराने, इस शरीर से भी पुराने हैं, परमात्मा से कनेक्ट होकर यहाँ पर इसको कैसे इरेज करना है और इसको कैसे स्ट्रेंथ भरनी है। जैसे ही आत्मा पावरफुल हो जाती है, आत्मा जीवन के किसी भी सीन को क्रॉस कर सकती है, किसी भी मतलब किसी भी, क्योंकि पावर यहाँ है, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ को पावर हम यहाँ से देते हैं। बातों का साइज नहीं होता, बातों का साइज ये डिसाइड करता है, करता है ना। हम कहते हैं बहुत बड़ी बात, कोई कहता है छोटी सी बात, किसने डिसाइड किया? तो उसको प्रायोरिटी बनाए, सात्विक अनखा के देखें। पेट और मन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जैसा अन वैसा मन होता है। तो अन भी स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाएं, और स्वास्थ्य वाले अन को स्वादिष्ट तरीके से बनाएं। लेकिन जो अन स्वास्थ्य नहीं दे रहा है उसको स्वाद के लिए खाते जाना, तो कर्म इंद्रियों के गुलाम होते जाना, और कर्म इंद्रियों के जितने गुलाम होते जाएंगे आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, गुलामी है वो। इसीलिए व्रत करना हमें सिखाया था, कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत। सब आपके सामने खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे, ये है कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत। तो वो सब हमारी संस्कृति में है। तो सात्विक अन्न खाना, नींद गहरी होनी चाहिए, उसके लिए रात को टीवी नहीं देखना। ऐसी चीजें देखने के बाद गहरी नींद नहीं आ सकती, सिर्फ लंबी नींद आ सकती है। ज्यादा सो सकते हैं, डीप स्लीप नहीं आएगी, क्योंकि बहुत शोर डाला है सोने से पहले। चीखना चिल्लाना सुनकर सोएंगे तो कैसे नींद आ सकती है, शरीर सोता है, मन नहीं सोता उसके बाद, इसीलिए बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है। इसीलिए सुबह उठने का मन नहीं करता, क्योंकि मन नहीं सोया था रात को, शरीर सोया था। और जब शरीर सोता है मन नहीं सोता है, तो शरीर में रोग बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं हर बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। तो लाइफस्टाइल पे यू टर्न लेना। तो हर रोज अपने लिए 1 घंटे का टाइम रखना, मेडिटेशन भी करना और ज्ञान भी भरना। डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर द माइंड। और जैसे ही वो करना शुरू करते हैं यहाँ की भाषा बदल जाती है, जैसे ही वो करना शुरू करते हैं संतुष्टता आ जाती है। जब संतुष्टता आ जाती है तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए होता। हम सिर्फ किस लिए होते हैं जीवन में? देने के लिए। लोगों से दूर नहीं होते, लेकिन लोगों को देने के लिए उनके साथ होते हैं, लोगों से लेने के लिए नहीं, इच्छा के लिए नहीं, सेवा के लिए। तो हम सब कौन है? सेवाधारी। रेडी सेवाधारी बनने के लिए? रेडी अपने घर का दिया बनने के लिए? रेडी है अपने घर का दिया बनने के लिए? तो दोनों चीजों को प्रायोरिटी करना। अगले 24 घंटे हर रिकॉर्डिंग पर अटेंशन, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये फोटो खींच रही है, ये फोटो खींच रही है। इटर्नल अपनी कमजोरियां बहुत है खत्म करने के लिए, दूसरों की कमजोरी यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरों के बारे में सोचना कमजोरी, और बोलना और सुनना, तीनों से यहाँ पे दूसरे की कमजोरी रिकॉर्ड होती है। अपनी बहुत है अभी साफ करने के लिए, दूसरों की रिकॉर्ड करना नहीं, नहीं तो अपनी कमजोरी बढ़ती जाएगी। तो जब हम रोज ज्ञान सुनते हैं और रोज वो बातें सुनते हैं, सुनते सुनते धीरे धीरे वो संस्कार अपने आप चेंज होता है, करना नहीं पड़ता है। संस्कार भाषा है,
तो कल से हम सेंटर पर, जो शहर में सेंटर है रेलवे स्टेशन के पास, आप सबको पता है, तो वहाँ कल से 1 वीक का मेडिटेशन कोर्स रखा है, शाम को 7 से 8 बजे, 1 घंटा सिर्फ। और 7 डेज में हम ये सीखेंगे कि मैं आत्मा सोल कॉन्शियस कैसे प्रैक्टिस करना है, परमात्मा से कैसे कनेक्ट करके अपने अंदर शक्ति भरनी है, और अपने संस्कारों को कैसे एम्पावर करना है, परिवार में रहना है लेकिन दिया बनकर रहना है। तो 1 हफ्ते के लिए 1 घंटा टाइम है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है ना हमारे पास, बहुत टाइम है, क्योंकि ये हाथ इम्पोर्टेंट है, कर्म और संस्कार। और बाय एनी चांस वो वाला टाइम नहीं सूट करता हो तो कोई भी दिन कोई भी टाइम, इसलिए कोई भी बहाना वर्क नहीं करेगा, कोई भी दिन कोई भी टाइम अपने लिए समय निकालना है। लेकिन कल से इकट्ठे मिलके हम करेंगे वहाँ पर मेडिटेशन, कल से सीखेंगे 7 to 8 PM सेंटर पर, कल से ट्यूसडे टू मंडे, नेक्स्ट मंडे तक। सीधा होकर बैठें और अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लें। सेलेक्ट कर लें कि मुझे कौन सी रिकॉर्डिंग को चेंज करना है। मैं डिवाइन आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, मेरा हर संकल्प हर बोल रिकॉर्ड होता जा रहा है, ये मेरा संस्कार बन रहा है। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने घर का दिया हूँ, सफलता मेरा संस्कार है, सेवा मेरा संस्कार है, दुआएं देना मेरा संस्कार है, वो दूसरों के व्यवहार पर नहीं मेरे संस्कार पर निर्भर है। वो कैसा भी व्यवहार करे, मेरा संस्कार दुआएं देना, स्थिर रहना, अपने कर्मों पर अटेंशन रखना और उन्हें दुआएं देना, क्योंकि मेरे कर्म मेरा भाग्य बनाते हैं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला, हर कर्म में कल्याण करने वाला, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा मन संतुष्ट, शरीर स्वस्थ, रिश्ते मजबूत, मेरा घर स्वर्ग है, ये स्वर्ग
मेरे संस्कारों से बनता है। आज से मेरे कर्म और संस्कार मेरी प्रायोरिटी है। मेरी रिकॉर्डिंग मेरी प्रायोरिटी है। सब कुछ करते हुए अटेंशन रिकॉर्ड हो रहा है। यही परमानेंट है। एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा, ये वास्तविकता है। एक क्षण में सब कुछ जो दिखाई देता है वो छूट जाएगा, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मेरे साथ जाएगा। एक ही चीज परमानेंट है, मेरे कर्म और संस्कार की रिकॉर्डिंग। सिर्फ एक चीज परमानेंट है। और उस एक चीज पर आज से मेरा अटेंशन और उसके लिए थोड़ा सा समय मेरी प्रायोरिटी है। कल से मेडिटेशन सीखते हुए हम इस अटेंशन को भी नेचुरल बना देंगे। अभी हम जब यहाँ से उठेंगे तो बिल्कुल मौन में उठेंगे, वो वाला मौन छोड़ देंगे और ये वाला मौन आज अपना लेंगे। हर रोज थोड़ा समय मौन में रहें, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे और घर तक मौन में चलें। 10-15 मिनट का समय है, अपने आप के साथ बिताएं, चेकिंग मुझे क्या क्या चेंज करना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। बिल्कुल मौन में फरिश्तों की तरह सबको आगे बढ़ाते हुए, उठने में, चलने में, बैठने में, सब चीज में आत्मा की शक्ति बढ़ती है और ध्यान नहीं दिया तो घटती है। जो नीचे बैठे हैं वो पहले उठेंगे।